हेलो एंड नमस्कार हरी, स्वागत है आप सभी का इंडियन एविडेंस एक्ट की सुपर फास्ट क्लास के अंदर। आज मजा आ जाएगा। मजा इसलिए आएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट के जो 167 सेक्शंस हैं उनका एक एक करके सारा क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। और दिल से कह रहा हूं, आज की क्लास अगर आपको पसंद ना आई ना, तो वाकई मैं इस टीचिंग की लाइन से खुद को हटा दूंगा। इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि मन में विश्वास है, और सबसे बड़ी बात जो स्टेटमेंट मेरे बैकग्राउंड में है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना। और हर रोज सुबह उठने से पहले, उठने के बाद में जो है ना, उठने से पहले तो एक नींद की छवि होती है, उठने के बाद जो ये बात जरूर कहना खुद से कि अभी तो कांच हूं इसलिए चुप रहा हूं, जिस दिन आईना बनूंगा ना तो ये दुनिया देखेगी मुझे अपने आप में, राइट। चलिए तो यहां पर अब शुरू करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के महा सुपर फास्ट एपिसोड को। देखिए तो आज बिना कोई अन्य डिस्कशन के सीधे टू द पॉइंट चलेंगे लिंकिंग लॉस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं तनसुख पालीवाल, और आज अनअकैडमी के इस डिजिटल मार्केट के अंदर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम करेंगे क्या धुआं धुआं किसको, इंडियन एविडेंस एक्ट को। देखो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंदर 1 सितंबर को, 1 सितंबर को ये कानून पास हुआ था, इफेक्टिव हुआ था, और तब से लेकर आज तक ये कानून जो है वो चला आ रहा है। कितना इफेक्टिव कानून है समझ लीजिए कि लगभग जो है 140 से ज्यादा साल हो गए, 140 मोर ईयर्स हो गए, फिर भी अभी भी जो है इफेक्टिव रूप से इसके सेक्शन को क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए तो वन बाय वन सबसे पहले समझते हैं यहां पर कि हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर टोटल कितने हैं, 167 सेक्शन है। 167 सेक्शंस हैं जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रखे हैं, जहां पर एविडेंस की रिलेवेंसी से लगाकर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फैक्ट अगर रिलेवेंट होता है तो वो रिलेवेंट कैसे होगा, वहां से लगाकर उसकी एडमिसिबिलिटी के पॉइंट को, विटनेस का एग्जामिनेशन जो है करते समय कौन कौन से सवाल, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, वो सारी बातें जो है इंडियन एविडेंस एक्ट हमें सिखाता है। अब देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट के शुरुआती सेक्शन से लगाकर एंड सेक्शन का सफर तो हम नो डाउट तय करने वाले हैं, लेकिन उसके दरमियान, उस दौरान आप एक चीज का जरूर ध्यान रखना। पहले मुझे कंफर्म कर दो सर ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, यस और नो? कमेंट बॉक्स में एक रिप्लाई आ जाना चाहिए कि सर ऑडियो वीडियो इज परफेक्ट, कोई इश्यू नहीं है। फिर मैं आज किस क्लास को क्या कर देता हूं, शुरू कर देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज जो क्लास शुरू होना वो किसी भी तरीके से बीच में रुके, राइट। चलिए थैंक यू सो मच। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन यहां पर, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सुनना है, अच्छे तरीके से सुनना है, एकदम अटेंशन, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला सीन नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरा अटेंशन बना के रखोगे तो एक एक चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे, सुन पाओगे, राइट। चलिए देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जितने भी पोर्शन है ना, उनका एक स्पेशल कैटेगराइजेशन होता है। तो पहले मैं आपको रेंज वाला सेगमेंट जो है वो क्लियर कर देता हूं। कुछ नहीं है, शुरुआत के बेसिक प्रावधान जो है, बेसिक कुछ चीजें, वो सेक्शन 1 से 4 में आपको मिलेगी। उसके बाद रिलेवेंसी, सुसंगतता की जो बात है, सेक्शन 5 से लेकर 55 तक मिलेगा। और कुछ फैक्ट जिनको साबित करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 56, 57, 58 इन 3 सेक्शंस के अंदर मिलेंगे। उसके बाद में ओरल एविडेंस जो है 59 और 60, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है सेक्शन 61 से लेकर 90A, जिसके अंदर प्रिजम्पशन भी शामिल होगी डॉक्यूमेंट की। उसके बाद ओरल डॉक्यूमेंट को, ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड किया जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा, इससे संबंधित, इससे रिलेटेड प्रोविजन 91 से लेकर 100 तक। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ, साबित करने का जो भार है, ऑनस प्रोबेंडी जो है वो 101 से लेकर 114A, और यहां पर भी आपको कुछ प्रिजम्पशन मिलने वाली है, कुछ क्या, इनफैक्ट मोस्टली 90% बर्डन ऑफ प्रूफ के जो प्रोविजन है वो अपने आप में प्रिजम्पशन है, ठीक है। देन आफ्टर इस्टॉपल का जो नियम है, विबंधन का जो सिद्धांत है, सेक्शन 115 और उसके दो स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन, सेक्शन 116 एंड सेक्शन 117। उसके बाद में विटनेस, गवाह 118 से लगाकर 134 तक जो है आपको क्या मिलेंगे, विटनेस के रिलेटेड प्रोविजन मिलने वाले हैं। विटनेस कौन हो सकता है, और साथ ही साथ में विटनेस को कौन कौन सी प्रिविलेजेस होती है, कौन कौन से विशेष अधिकार होते हैं, उसके बारे में बातचीत होगी। देन आफ्टर विटनेस का एग्जामिनेशन, गवाहों का परीक्षण जो है सेक्शन 135 से स्टार्ट होते हुए कहां तक जाएगा, 166 तक जाएगा, और एट द एंड,
एट द एंड एकमात्र सिंगल सेक्शन रहेगा 167 जो कहता है इम्प्रॉपर एडमिशन या इम्प्रॉपर रिजेक्शन हो जाता है एविडेंस का, तो वहां पर उस सिचुएशन को किस तरीके से डील करना है। ये तो रही रेंज, हमेशा ध्यान रखना एविडेंस एक्ट पढ़ने से पहले रेंज जो है आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। अब जरा शुरू करते हैं इसके सफर को। ओके, फिर से कह रहा हूं पूरा अटेंशन रखना। ओके, अगले एक घंटे तक जो है ना बाहर की दुनिया से थोड़ा सा गेट जो है बंद कर लो और पूरी की पूरी दुनिया अभी स्क्रीन पर लगा के रखना। ईयरफोन का इस्तेमाल आज की क्लास में स्पेशली रिकमेंड कर रहा हूं मैं। ईयरफोन का इस्तेमाल जो है आज की क्लास में आप लोगों को स्पेशली करना है ताकि एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इंडियन प्रोविजन कहते हैं, हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके अंदर सबसे पहले सेक्शन 1 जो आता है, सेक्शन 1 में कुछ नहीं दे रखा है, बेसिक एक्सटेंट दे रखा है कि ये कानून जो है कहां तक लागू होता है, तो पूरे भारत में लागू होता है, होल इंडिया के अंदर कोई इशू नहीं है। सेक्शन 2 डिलीट हो चुका है, दिमाग ही नहीं लगाना इसके ऊपर। जो प्रोविजन हमारे बेर एक्ट में डिलीटेड है उसको बोलो जा सिमरन जिले अपनी जिंदगी, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है। रिपील्ड प्रोविजन नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, सेक्शन 3 ये बड़ा प्यारा सेक्शन है। मतलब इसमें क्या है, इसमें इंटरप्रिटेशन क्लोज है, याद रखना टोटल जो है 10 आपको अलग अलग तरह की चीजों को, तकनीकी शब्दों को इंटरप्रिट किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 3 में। वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो उन शब्दों के अंदर क्या क्या आ सकता है आपके, जैसे कि फैक्ट क्या होता है, कोर्ट का मतलब क्या होगा, रिलेवेंट फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट इन इश्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या रहेगा, एविडेंस का मतलब जो है वो क्या होगा वहां पर, उसके बाद में कोई भी एविडेंस जो है वो प्रूव्ड कब माना जाएगा, नॉट प्रूव्ड कब माना जाएगा, या फिर है ना नॉट डिसप्रूव्ड है जो वो कब माना जाएगा, इस तरीके से अलग अलग शब्द है, और एंड में इंडिया का मतलब यहां पर क्या होगा। इस तरीके से टोटल मिलाकर 10 जो है आपको अलग अलग परिभाषाएं कह दीजिए, लेकिन सही शब्द रहेगा इसके लिए क्या, इंटरप्रिटेशन क्लॉज दे रखे हैं आपको। और ये क्लॉज कब आते हैं, जब आप एविडेंस एक्ट के बेसिक प्रोविजन को पढ़ते हो ना, वहां पर जो भी शब्द आ गया, जैसे वहां पर शब्द आ गया प्रूव्ड, तो प्रूव्ड का मतलब क्या है, सेक्शन 3 आपको बताएगा। यानी सेक्शन 3 हर वक्त आपके साथ में खड़ा होगा जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजन को पढ़ रहे हो। सेक्शन 4 की अगर बात करें तो यहां पर इन्होंने तीन चीजों पर, तीन वर्ड पे विशेष फोकस किया है, मे प्रिज्यूम क्या होता है, साथ ही साथ में सेल प्रिज्यूम क्या होता है, और कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो क्या होता है। देखो मे प्रिज्यूम मतलब क्या है कि उसको उपधारित माना जा सकेगा, प्रिज्यूम किया जा सकेगा, लेकिन साबित करने का भी प्रावधान वहां पर इक्वली अवेलेबल रहेगा। शैल प्रिज्यूम का भी इससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ेंगे अपन, मतलब कोर्ट वहां पर क्या है, उस फैक्ट को प्रिज्यूम करेगा, कोर्ट खुद अपने स्तर पर कोई नया एविडेंस नहीं मांगेगा, लेकिन सामने वाली पार्टी जो है वो उसको डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस दे सकती है। कंक्लूसिव प्रूफ निश्चयात्मक सबूत के केस में क्या होता है, जहां पर एक फैक्ट के साबित हो जाने से दूसरा फैक्ट ऑटोमेटिकली साबित हो जाता है, जैसे विल अगर साबित हो गई तो ऑटोमेटिकली बात है कि डेथ जो है, मृत्यु जो है वो वहां पर साबित हो चुकी है, तो उसको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ जो होते हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 है, सेक्शन 41 होगा, सेक्शन 112 होगा, सेक्शन 113 होगा। यानी कि यहां पर जो तीनों शब्द हमारे सामने आएंगे, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, इन तीनों का अपने आप में बहुत रिलेवेंसी है। कैसे, आइए जरा आपको एक डायग्राम के जरिए समझाता हूं, फिर से कह रहा हूं पूरा अटेंशन यहां पर। तो ये आपका जो सेक्शन 4 है ना, अरे यार ये बहुत ही प्यारा सेक्शन है। प्यारा इसलिए है क्योंकि अपने आप में न जाने कितने सेक्शन को कवर कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर पहला शब्द आपके सामने आ जाता है मे प्रिज्यूम, अगर आप जाके देखोगे सेक्शन 86 को, 87 को, सेक्शन 88 को, सेक्शन 90 को, 90A को, सेक्शन 113 को, 113A को, सेक्शन 114 को, उन सभी के अंदर आपको मे प्रिज्यूम का कॉन्सेप्ट जो है वो मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करता हूं मैं सेल प्रिज्यूम की, तो सेल प्रिज्यूम का फंडा भी कहां से कहां तक, 79 से लेकर आपके 85C तक, उसके बाद में सेक्शन 89 के अंदर, उसके बाद में 113B के अंदर, उसके बाद में 114A के अंदर, ये जितने भी सेक्शन है वहां पर सेल प्रिज्यूम का प्रिजम्पशन जो है वो लागू होता है। इतना ही नहीं, आप जो सीपीसी सीआरपीसी पढ़ते हो ना, वहां पर भी आपके सामने जो है मे प्रिज्यूम और सेल प्रिज्यूम का फंडा क्रिएट होगा और आपको वहां पर उसे समझना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट जो था कंक्लूसिव प्रूफ,
इसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर आपके तीन सेक्शन है, 41 है, 112 है और 113 है। अब ये तीनों सेक्शन, बाकी सारे सेक्शन क्या कहते हैं उनको भी समझेंगे वन बाय वन जब उन सेक्शन का नंबर आएगा। सेक्शन पांच पे आ जाओ। सेक्शन पांच कुछ नहीं कह रहा है कि आप अगर एविडेंस देना चाहते हो आप सिर्फ दो चीजों के एविडेंस दे सकते हो, फैक्ट इन इशू के जो विवादित तथ्य है। फैक्ट इन इशू डिसाइड करने का काम सीपीसी सीआरपीसी करते हैं, एविडेंस लॉ नहीं करता है। तो यहां पर फैक्ट इन इशू के संबंध में आप क्या कर सकते हो, सबूत जो है एविडेंस जो है दे सकते हो और रिलेवेंट फैक्ट। अब रिलेवेंट फैक्ट क्या होगा, फैक्ट इन इश्यू कौन होगा, ये सेक्शन थ्री जो है वो एक्सप्लेन करता है। ये तो हुए हमारे पास में शुरुआत के पांच सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे सामने आएगा रिलेवेंसी के नियम। क्या आएगा, रिलेवेंसी के जो नियम है वो क्या क्या होंगे। सेक्शन सिक्स, इसने कह रखा है कि सेम ट्रांजेक्शन से रिलेवेंट कोई फैक्ट होता है तो वो रिलेवेंट है। अब यहां पर सेक्शन 6 से लेकर 55 तक हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा फैक्ट हमारे केस में रिलेवेंट हो सकता है, उसके बेसिक नियम जो है वो यहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 6 के अंदर रेस गेस्टे का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको याद रखना। क्या बोलते हैं इसको, रेस गेस्टे का सिद्धांत भी कहा जाता है। सेम ट्रांजेक्शन, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन सेक्शन 6 के अंदर रिलेवेंट होते हैं। सेक्शन 7 में क्या है, मान लीजिए किसी चीज का ओकेजन है, अवसर है क्रिएट करने का, या फिर कॉज है उस चीज के कारण है, या फिर उसका इफेक्ट जो है वो इसके अंदर क्या हो जाता है, कवर्ड जो है हो जाता है। मतलब कोई भी अपराध किया गया तो उसका क्या ओकेजन था, क्या कॉज था, क्या इफेक्ट था, सेक्शन 7 के अंदर रिलेवेंट होगा। सेक्शन 8 के अंदर क्या दे रखा है कि यहां पर मान लीजिए मोटिव जो है वो क्या था, वहां पर उसका प्रीवियस कंडक्ट क्या था, सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या था, उसने क्या कोई प्रिपरेशन की है क्या, वो सारी बातें जो हैं कहां पर सेक्शन 8 के तहत रिलेवेंट होती हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चाकू मारा और उस जगह से भाग गया तो उसका ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट कहां रिलेवेंट होगा, सेक्शन 8 में रिलेवेंट होगा। एक व्यक्ति पर किसी और ने हमला किया और उसके बाद वो व्यक्ति पुलिस थाने में आकर एफआईआर दर्ज कराता है तो एफआईआर दर्ज कराने का जो कंडक्ट है कहां रिलेवेंट होगा, सेक्शन 8 में रिलेवेंट होगा। आगे देखिए सेक्शन 9 में क्या है, यहां पर सेक्शन 9 बहुत रिलेवेंट है। क्यों, क्योंकि सेक्शन 9 अपने आप में अकेला नहीं है, सेक्शन 9 अपने आप में बहुत सारी चीजों को कवर करता है। कौन कौन सी चीजों को कवर करता है, देखिए यहां पर आप सेक्शन 9 को जब पढ़ने बैठोगे ना तो ऐसा कोई भी फैक्ट जो फैक्ट इन इश्यू को या रिलेवेंट फैक्ट को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है या फिर एक्सप्लेन करता है या फिर उस केस में किसी भी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करता है उस सिचुएशन के अंदर, या फिर किसी रिलेशनशिप को डायग्नोस करता है, किसी संबंध को जो है पता करवाता है, रिलेशन को, वो भी इसके अंदर आ जाता है, या फिर कोई इन्फेरेंस है, कोई अनुमान जो है वो उससे क्रिएट होता है, तो सेक्शन 9 में। और यही रीजन है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जो टेस्ट शिनाख्त परेड होती है वो भी सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो है कवर होती है। एक चीज याद रखना, यहां पर जो ये शब्द आया है ना रिलेशन, ये रिलेशन शब्द बहुत रिलेवेंट है। अगर आप सेक्शन 50 को इसके साथ कनेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, सेक्शन 109 इंडियन एविडेंस को इसके साथ कनेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। सेक्शन 50 में क्या कह रखा है, रिलेशन के संबंध में कोई भी ओपिनियन होगी रिलेवेंट हो जाएगी। सेक्शन 109 में क्या दे रखा है, अगर किसी व्यक्ति का रिलेशन है और उसको कोई व्यक्ति चैलेंज कहता है, अगर एक हस्बैंड एक पति और पत्नी या फिर एक मेल और फीमेल साथ में रह रहे हैं इस तरीके से कि वो एक कपल लग रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि वो कपल है, प्रिजम्पशन ऑफ रिलेशनशिप वहां पर क्रिएट किया जाएगा 109 के अंदर, तो ये बात यहां पर अप्लाई हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर 10 के अंदर सेक्शन 10 क्या कहता है कि जो कॉन्स्पायरेसी वाला मैटर होता है ना, कॉन्स्पायरेसी आपको पता हो तो इंडियन एविडेंस इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन 120A जो है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के बारे में डील करता है। तो कॉन्स्पायरेटर ने एक दूसरे के बारे में जो कुछ भी बातें कही वो सारा सेक्शन 10 के तहत रिलेवेंट होता है, कॉन्स्पायरेटर मतलब षड्यंत्रकारी। ठीक है, सेक्शन 11 ये आता है प्ली ऑफ एलिबी के केस में। प्ली ऑफ एलिबी, जिस समय अपराध हुआ उस समय आप किसी और जगह पर थे या फिर आपका जो इंटेंशन था वो कुछ और तरीके का था, है ना, तो यहां पर ऐसा कोई भी चीज जो आपको अदरवाइज फील करवाए दैट्स कॉल्ड एलिबी, उसको क्या कहा जाता है, एलिबी जो है कहा जाता है अन्यत्र, है ना, तो ये सेक्शन 11 के तहत कवर होता है। सेक्शन 12 क्या कहता है, सेक्शन 12 ये कहता है कि जब आपने कोई सूट फाइल किया है, सूट किस बात का, डैमेजेस का, तो डैमेजेस का सूट फाइल किया है तो वो सारे फैक्टर्स जो डैमेजेस को डिसाइड करवाते हैं वो क्या हो जाएंगे, इससे कनेक्ट हो जाएंगे। हमेशा किसी सेक्शन को कीवर्ड के साथ में कनेक्ट करना चाहिए। सेक्शन 12 का कीवर्ड क्या आ जाएगा, डैमेजेस। सेक्शन 12 का कीवर्ड यहां पर क्या हो जाएगा, डैमेजेस। सेक्शन 13 पर जो भी कस्टम है,
जो भी रूढ़ियां हैं, है ना, उनको साबित करने के दो तरीके हैं। या तो आप उन्हें एज अ ट्रांजेक्शन साबित करो, या फिर आप उनको पर्टिकुलर इंस्टेंस के रूप में साबित करो। ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात सेक्शन 13 के अंदर लिखी हुई है, तो ये सेक्शन 13 के अंदर आता है। सेक्शन 13 को पढ़ा जाता है किसके साथ में? सेक्शन 48 के साथ में। और इतना ही नहीं, इसको पढ़ा जाएगा सेक्शन 32 के क्लॉज 4 के साथ में और क्लॉज 7 के साथ में। क्यों पढ़ा जाएगा, आगे बात करेंगे। अभी सेक्शन 14 पे आ जाओ। यहां पर तीन और चार चीजें, कौन कौन सी, कि आपका कोई भी बॉडी है, माइंड है, उसका क्या स्टेट था, बॉडीली फीलिंग है वगैरह, ये सारी चीजें जो है किसके अंदर कवर होती है, सेक्शन 14 के अंदर रिलेवेंट होती है। स्टेट ऑफ माइंड क्या था अपराध करते समय, सेक्शन 14 के अंदर जो है रिलेवेंट हो जाएगा। तो यहां पर जो बॉडी है नंबर एक, जो माइंड है नंबर टू, उनका क्या स्टेट था, क्या बॉडीली फीलिंग थी, पेन था, वो सब कुछ सेक्शन 14 के तहत क्या होता है, रिलेवेंट जो है होता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास में, वो है सेक्शन 15। एक बात मैं आपको बता दूं, सेक्शन 6 के अंदर आया था फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, यहां पर सेक्शन 15 में के अंदर आएगा सेम सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। दोनों में अलग अलग चीज है। कोई भी एक्ट जो हुआ है वो एक्ट एक्सीडेंट था, वो एक्ट एक्सीडेंट था या इंसिडेंट था, मतलब जानबूझकर किया गया है या फिर अनजाने में हो गया, जैसे हिट एंड रन वाले जो मामले होते हैं वहां पर सेक्शन 15 अप्लाई होता है। तो ये चीज सेक्शन 15 के अंदर कवर्ड होती है। और यहां पर पहले की जो पार्ट ऑफ सीरीज अकर्ड हो रही थी ना, उनको कंसिडर करता है कोर्ट सेक्शन 16 के अंदर, कि कोई भी एक्ट जो है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स है, सामान्य बिजनेस एक्टिविटी के दौरान हुआ है या उसके अलावा हुआ है, सेक्शन 16 उसकी रिलेवेंसी तय करता है। सेक्शन 17 जो है ना वो कहता है एडमिशन। एडमिशन का डेफिनेशन क्या है, देखो डिफाइन करने का काम सिर्फ सेक्शन 3 नहीं करता है, सेक्शन 3 के अलावा भी कुछ स्पेशल सेक्शन ऐसे हैं जो किसी न किसी तकनीकी शब्द को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। एडमिशन डिफाइन है, कन्फेशन डिफाइन नहीं है एविडेंस लॉ के अंदर। यहां पर एडमिशन, एडमिशन का मतलब क्या होता है, स्वीकृति। एडमिशन का मतलब क्या होता है, स्वीकृति, और कन्फेशन का संस्वीकृति। 17 में डिफाइन किया गया। अब मजेदार बात बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। सेक्शन 18, 19, 20 ये सेक्शन, और साथ ही साथ में सेक्शन 118, सेक्शन 119, 120, इनके बीच में कुछ रिलेवेंसी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। यहां भी 18, 19, 20 है, यहां पर 118, 19, 20 है। लेकिन खास बात इसमें यह है कि ये दोनों ही बातें कॉम्पिटेंसी में डील करती है। ध्यान से सुनना इस लाइन को, क्या है, ये दोनों ही चीजें जो है ना वो कॉम्पिटेंसी में डील करती हैं। कैसे, समझना इस बात को। देखिए एडमिशन कौन कर सकता है, तो एडमिशन पार्टी कर सकती है और उसका जो एजेंट वगैरह है वो कर सकता है, ठीक है। नंबर वन, आप जिसकी पोजीशन अगेंस्ट पोजीशन, जिसकी आप पोजीशन जो है वो साबित कर रहे हो, वो व्यक्ति एडमिशन कर सकता है। जिसको स्पेशली रेफर किया गया है वो व्यक्ति क्या कर सकता है, एडमिशन। तो कौन है एडमिशन करने के लिए कॉम्पिटेंट, ये आपको बताता है 18, 19 और 20। उसी तरीके से कौन विटनेस बन सकता है या कौन सा व्यक्ति कॉम्पिटेंट विटनेस कहलाएगा, इसके बारे में 118, 119, 120 कैसे डील करते हैं। देखिए 118 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो चीजों को ऑब्जर्व समझ सकता है, जो उससे सवाल पूछा गया है उसका आंसर देने में, रीजनेबल आंसर देने में कॉम्पिटेंट है, वो व्यक्ति विटनेस बन सकता है। 119, अगर कोई व्यक्ति बोलने में सक्षम नहीं है, अनेबल टू स्पीक है, फिर भी उस केस में वो क्या हो सकता है, वो अपने एविडेंस रिकॉर्ड करा सकता है स्पेशल एजुकेटर एक्सपर्ट की मदद से, या फिर रिटर्न के अंदर या फिर साइन के अंदर। 119 और 120 के अंदर हस्बैंड और वाइफ जो है वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं। सिविल मामलों में तो ऑल केसेस में कॉम्पिटेंट विटनेस है, क्रिमिनल मामलों में एक दूसरे के अगेंस्ट अगर कोई अपराध होता है तो वो एक दूसरे के लिए कॉम्पिटेंट विटनेस है। तो याद रखना ये ट्रिक, 18, 19, 20, 118, 119, 120, एक सीधा सा लॉजिक यहां पर क्या होता है, कनेक्ट होता है। जब इंसान के पास लॉजिक होता है ना तो उसकी तर्क शक्ति का अलग ही अंदाज होता है। 21 पे आ जाते हैं। आपने एडमिशन दिया ना, आपके अगेंस्ट उसको प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन आपके फेवर में उसको साबित नहीं किया जा सकता, ये बात 21 में लिखी हुई है। 22 पर आते हैं। अगर आप कोई भी ओरल एडमिशन देते हो किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में, ओरल एडमिशन किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में दिया जाता है तो वो रिलेवेंट नहीं होगा,
उसी तरीके से 22A आता है जो कहता है ओरल एडमिशन अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के बारे में बात कहा है तो भी वो रिलेवेंट है जो नहीं होगा, मतलब कंटेंट के संबंध में ओरल एडमिशन काम नहीं करता है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे वो डॉक्यूमेंट खुद अपने आप में फैक्ट इन इश्यू है। तो 23 क्या कहता है कि मामला है कैसा, सिविल मामला है और पार्टी ने आपस में यह तय कर दिया कि हमें इस पर्टिकुलर बात का एविडेंस नहीं देना है, तो वहां पर वो एविडेंस रिलेवेंट नहीं होगा। ये बात किसने कह रखी है, सेक्शन 23 ने जो है कह रखी है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा क्या, कन्फेशन वाला पार्ट यहां पर स्टार्ट होता है। उसमें दो बातें, कन्फेशन कब रिलेवेंट नहीं है और कब रिलेवेंट है, इसका जिक्र जो है वो कर रखा है। देखिए 24 में क्या दे रखा है कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी इन्फ्लुएंस मतलब एक तरीके से दुष्प्रभाव डाल के उससे कोई कन्फेशन निकलाई जाती है, नॉट रिलेवेंट। 25 में पुलिस के सामने कोई कन्फेशन है, नॉट रिलेवेंट। 26 में पुलिस की कस्टडी के अंदर कोई कन्फेशन है, नॉट रिलेवेंट। लेकिन वहां पर अगर मजिस्ट्रेट उपस्थित है तो वो पार्ट रिलेवेंट वहां पर हो जाता है। अब देखो ये जो आपके सामने 25 और 26 है, इनका एक्सेप्शन, इनका अपवाद, इन दोनों का एक्सेप्शन जो है ना वो है आपके सेक्शन 27। ये कहता है कि अगर किसी बात की डिस्कवरी हो गई है, अगर कोई भी चीज जो है वो डिस्कवर हो गई है, पुलिस के सामने दिए गए कन्फेशन में कोई स्टेटमेंट ऐसा आया जिसके तहत कोई चीज जाकर पुलिस ने रिकवर कर दी, तो रिकवरी के एक्सटेंट तक 25 और 26 रिलेवेंट हो जाएंगे, वहां की कन्फेशन रिलेवेंट हो जाएगी। इसलिए उसका क्या हो गया, एक्सेप्शन है जो हो गया। 28 जो है वो 24 का एकदम उल्टा है, मिरर है। वो कहता है कि जैसे ही इन्फ्लुएंस हटाया गया उसको रिमूव कर दिया तो उसके बाद में कन्फेशन जो है वो रिलेवेंट वहां पर हो जाएगी। 29 क्या कह रहा है, अगर कोई कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट है, मतलब बाकी सारे एंगल से एकदम परफेक्ट है, तो सिर्फ इसलिए कि कन्फेशन देने वाला व्यक्ति शराब के नशे में था, या फिर उसने सीक्रेसी के प्रॉमिस पर ऐसी बात कह दी, या फिर उसके ऊपर डिसेप्शन एक्सरसाइज कर रखा था इसलिए ऐसी बात कह दी, तो इनके आधार पर कन्फेशन जो है वो इररिलेवेंट नहीं हो जाएगी। उसके बाद में देखिए सेक्शन 30 यहां पर क्या कहता है कि अगर जॉइंट ट्रायल है, दो लोगों की आपस में जॉइंट ट्रायल है, तो उनके द्वारा दिया गया कन्फेशन दूसरे एक्यूज के खिलाफ में यूज किया जा सकता है, रिलेवेंट हो सकता है। 31 ये कहता है कि एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है, लेकिन आप इसको स्टॉपल के रूप में क्या कर सकते हो, इस्तेमाल जो है कर सकते हो। ये बात 31 ने कही। देन आफ्टर 32 क्या कहता है, 32 ने कहा कि जिस पर्सन से, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो कोर्ट के सामने आना चाहिए था लेकिन वो कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति की डेथ हो गई है, या फिर वो व्यक्ति नॉट फाउंड है, या फिर वो व्यक्ति इनकैपेबल है, या फिर उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाने में अनरीजनेबल डिले हो जाएगा। उस सिचुएशन में उस व्यक्ति का पहले वाला कोई भी स्टेटमेंट जो उस केस में रिलेवेंट है उसको वहां पर रिलेवेंट कर दिया जाता है। कहां पर, सेक्शन 32 के अंदर। अब 32 में टोटल 8 केसेस हैं, कितने हैं, 8 केसेस इसके अंदर दे रखे हैं। जैसे डाइंग डिक्लेरेशन का मामला आ सकता है, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर वाली बात आ सकती है ना, आपके एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप की बात आ सकती है, ओके, साथ ही साथ में कोई फैमिली अफेयर्स के संबंध में मैटर है वहां पर वो मैटर आ सकता है, सेवरल पर्सन के द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया गया है वो वहां पर रिलेवेंट हो सकता है। ये सारी बातें कहां पर है, सेक्शन 32 के अंदर क्या हो जाती है, रिलेवेंट हो जाती है। इतना ही नहीं, सेक्शन 32 के सिमिलर ग्राउंड आपको एक जगह पर और मिलेंगे। कहां मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको सेक्शन 33 के अंदर। 33 और 32 में अंतर यह है कि 32 के अंदर प्रीवियस प्रोसीडिंग जैसा कोई शब्द नहीं आएगा, जबकि 33 के अंदर जो है वो पहले वाली प्रोसीडिंग में कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है, पहले वाली जो प्रोसीडिंग है उसमें कोई भी शब्द जो है, कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग के अंदर, लेकिन शर्त है 33 की कंडीशन फॉलो, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो बातें साबित होती हैं। तो पहले वाला इंसान भले ही उसकी डेथ हो गई हो, नॉट फाउंड हो, इनकैपेबल हो, अनरीजनेबल डिले है, या सामने वाली पार्टी उसको आने से रोक रही है, एक बात ध्यान रखना 32 में 4 रीजन होते हैं, 33 के अंदर 5 रीजन होते हैं, ओके, इस बात को माइंड में सेट करके रखना है। आगे बढ़ते हैं 34 पर। 34 का एक ट्रिक बताता हूं, इसमें आपको ध्यान रखना है बी पी एम
AL DP माल, यानी कि क्या होता है 34 में कोई भी बुक्स ऑफ एंट्री है, बुक्स के अंदर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें कोई भी एंट्री है वो वहां पर रिलेवेंट हो सकती है। 35 में क्या दे रखा है कि पब्लिक रिकॉर्ड्स जो हैं उसके अंदर कोई भी एंट्री है वो रिलेवेंट हो सकती है। 36 में क्या दे रखा है, 36 में दे रखा है मैप्स यानी कि नक्शे, वो वहां पर रिलेवेंट हो सकते हैं। 37 के अंदर किसी भी तरह का कोई भी एक्ट वगैरह है वो रिलेवेंट हो सकता है। और 38 में जो लॉ बुक्स होती है ना, लॉ बुक्स जैसे इंडिया लॉ जर्नल एक्सेट्रा, तो उनकी रिलेवेंसी हो सकती है। अब अगर आप कभी भी इन लोगों को सिर्फ इतना यहां तक करके छोड़ रहे हो ना, तो गलती कर रहे हो। क्यों गलती कर रहे हो, देखिए आपको कनेक्ट करना होता है, पब्लिक रिकॉर्ड है तो आपको कनेक्ट करना चाहिए इसको सेक्शन 74 से, जहां पर पब्लिक डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर रखा है। इसके बाद में जहां पर मैप्स की बात आती है तो आपको कनेक्ट करना चाहिए 83 के साथ में, 87 के साथ में। 83 जो है ना, किसी भी तरह का मैप्स जो भारत सरकार के द्वारा है, भारत की सरकार की अथॉरिटी में पब्लिश कराया गया है, उसको जेन्यून करने की प्रिजम्पशन मानता है। 87 जो है पब्लिश करने के संबंध में, जिसका नाम पब्लिश किया गया है, जिस ईयर में वो पब्लिश किया गया लिखा गया है, तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि उस ईयर के अंदर वो मैप वो नक्शा पब्लिश हुआ होगा, है ना, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है। इतना ही नहीं, लॉ बुक्स की बात करो तो लॉ बुक्स को कनेक्ट करो 84 से, क्योंकि जो भी लॉ बुक्स भारत सरकार के या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अथॉरिटी में पब्लिश हुई है, जहां पर कोर्ट के डिसीजन वगैरह है, तो उसको जेन्युइन माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा, ऐसा 84 कहता है। इतना ही नहीं, 39 जो भी इन्हीं का पार्ट है, कितना स्टेटमेंट चाहिए किसी भी बात को साबित करने के लिए, कितना पोर्शन चाहिए, तो रिलेवेंट पोर्शन चाहिए जिससे वो बात साबित हो सके, ये बेसिक नियम 39 में जो कह रखा है। हालांकि जब आप रिलेवेंसी की प्रोविजन पढ़ते हो तो वहां पर छोटे छोटे पार्ट और डिवाइड होते हैं, जैसे सेक्शन 6 से लेकर 16 तक स्पेशल केसेस दे रखे हैं, सेक्शन 17 से लेकर 31 तक, 17 से 31 तक एडमिशन और कन्फेशन की बात अप्लाई होती है, 32 और 33 ऐसे पर्सन जो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते उनका जिक्र होता है, सेक्शन 34 से लेकर 38 तक स्पेशल केसेस आपके सामने आते हैं, 40 से लगाकर 44 तक जजमेंट की रिलेवेंसी आती है, 45 से 51 तक एक्सपर्ट या थर्ड पार्टी की ओपिनियन की रिलेवेंसी आती है, 52 से लेकर 55 तक कैरेक्टर शील जो है वो कितना रिलेवेंट होगा सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में, उसकी रिलेवेंसी आती है। इस तरीके से हर पार्ट का क्या होता है, छोटा छोटा हिस्सा जो है डिवाइड हो रखा है। अब देखिए सेक्शन 40 में क्या आ रखा है, उसको समझने के लिए आपको छोटा सा डायग्राम ध्यान में रखना होता है, वो ये रखना होता है कि जजमेंट रिलेवेंट है या नहीं है, ये आंसर 43 देता है, और 43 क्लियर कहता है सॉरी जजमेंट जो है वो रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन इसके जो है ना तीन एक्सेप्शन होते हैं, इसके क्या होते हैं, तीन अपवाद होते हैं, पहला अपवाद, पहला एक्सेप्शन सेक्शन 40, दूसरा एक्सेप्शन सेक्शन 41, तीसरा एक्सेप्शन सेक्शन 42। पहले में क्या कह रखा है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है इस बात को बताने वाला कोई भी जजमेंट रिलेवेंट होगा। 41 के अंदर कोई भी मैट्रिमोनियल मामला है, प्रोबेट का मामला है, एडमिरल्टी का मामला है, इंसॉल्वेंसी का मामला है, रिलेवेंट हो सकता है। 42 के अंदर कोई भी सूट है जिसमें कहीं कहीं पब्लिक मैटर इन्वॉल्व है, कहीं कहीं पब्लिक मैटर इन्वॉल्व है तो वो रिलेवेंट हो सकता है। साथ ही साथ में एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई भी जजमेंट फ्रॉड के द्वारा ऑब्टेन किया गया है, फ्रॉड या डिसेप्शन यूज किया गया है, तो ये पोर्शन भी क्या हो सकता है वहां पर रिलेवेंट जो है हो सकता है। इस तरीके से ये जजमेंट की सारी बातें सेक्शन 40 से लगाकर 44 तक, डायरेक्टली पहले 40 मत पढ़ो, पहले जाके 43 पढ़ो, पहले जनरल रूल पढ़ो, उसके बाद में उसके एक्सेप्शन पर हमें क्या करनी चाहिए, बातचीत जो है वो करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर रुकना नहीं है। चलिए तो यहां पर इस तरीके से 40, 41 वगैरह पोर्शन को हमने क्या किया है, कवर है जो किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 42 हो गया, 43, 44 हो गया, 45 यहां पर बता रखा है कि एक्सपर्ट कौन होता है, तो एक्सपर्ट कौन होता है, जो आर्ट साइंस में फिंगर इंप्रेशन के अंदर फॉरेन लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, कॉम्पिटेंसी रखता है, साथ साथ ओपिनियन भी फ्रेम कर सकता है, उसको एक्सपर्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट के साथ उसने जो ओपिनियन फ्रेम की है, अच्छा यहां पर एक 45 ए भी याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट उनके एग्जामिन करने वाला व्यक्ति भी एक तरीके से एक्सपर्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। 46 कोई भी ओपिनियन जो है एक्सपर्ट की जिस फैक्ट पर आधारित होती है, अगर कोई भी फैक्ट एक्सपर्ट की ओपिनियन को कंसिस्टेंट कर रहे हैं या फिर कोई भी फैक्ट एक्सपर्ट की ओपिनियन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो वो फैक्ट भी अपने आप में क्या हो जाते हैं, रिलेवेंट है जो हो जाते हैं। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा कि इसकी जो मृत्यु हुई थी, इसका जो मर्डर हुआ था वो 30 दिन 30 डेज पहले हुआ था,
ठीक है, एक आईडी कार्ड मिला, आईडी कार्ड में एयरपोर्ट पे स्कैनिंग हो रखी है, वो रिपोर्ट ये आ रही है कि 3 दिन पहले बंदा एरोप्लेन से यात्रा करके आया था। ये फैक्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, सेक्शन 46 में यहां पर क्या हो जाएगा, रिलेवेंट है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब मान लीजिए हैंडराइटिंग के संबंध में, हैंडराइटिंग के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति जो जानता है, ओपिनियन जानता है, ओपिनियन फ्रेम करता है, तो उसकी बात यहां पर रिलेवेंट है जो हो जाती है। अब सपोज करो आपको मेरी ये गंदी वाली हैंडराइटिंग पता चल गई कि तनसुख सर जो है इस तरीके से लिखते हैं, तो आप भी अपनी ओपिनियन जो है क्या कर सकते हो, सेक्शन 47 के अंदर जो है दे सकते हो हैंडराइटिंग के बारे में। 48 में क्या होगा, यहां पर कस्टम के बारे में बात की जा रही है, कस्टम के संबंध में अगर कोई व्यक्ति अपनी ओपिनियन बता रहा है तो वो वहां पर क्या हो सकती है, रिलेवेंट हो सकती है। वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको कुछ स्पेसिफिक नॉलेज है, जिसको एक एक्सपीरियंस है उस मामले में डील करने का। और साथ ही साथ में 47A का भी ध्यान रखना, यहां पर आपके इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर वगैरह होते हैं उसके संबंध में ओपिनियन फ्रेमिंग 47A में आती है। 49 के अंदर क्या होगा, तो जो यूसेस है मतलब जो रूढ़ियां वगैरह हैं उसके बारे में कोई ओपिनियन आए, रिलेशन के बारे में कोई ओपिनियन आए, तो सेक्शन 50। मैंने आपको कहा था रिलेशन के संबंध में आपको सेक्शन 9 ध्यान में रखना है और साथ ही साथ में सेक्शन 109 भी ध्यान में रखना है। दोनों ही पॉइंट रिलेशन के साथ में क्या होते हैं, कनेक्ट है जो होते हैं। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अरे उससे पहले क्या शानदार कोटेशन है, दिल खुश कर देगा आपका, सुनिएगा। थोड़ा डूबूंगा मैं, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत आऊंगा। कभी लगे ना कि लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें चल रही हैं, तो थोड़ा सा अपनी जिंदगी को एक बार जरूर कहो, ताकि जो है ना आपका दिल आपको वापस एक नई दौड़ लगाने के लिए मोटिवेट करता रहे। हारना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है। ओके, क्या होगा, ज्यादा तेज भागेंगे थोड़े गिरेंगे ना, फिर संभलेंगे, फिर उठेंगे और फिर से वापस क्या हो जाएंगे, रवाना हो जाएंगे। जितने भी कैंडिडेट्स अभी इस लाइव क्लास को देख रहे हैं, अगर आपका दिल वाकई में खुश है, एक थम्स अप मार लो और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को अभी के अभी शेयर करो, ताकि मजा आना चाहिए, लगना चाहिए कि किसी प्लेटफॉर्म पर आप ही का एक बंदा दहाड़ रहा है और आप लोग जो है उसको दिल से सुन रहे हो। इसलिए सुन रहे हो क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फास्ट रिविजन बहुत हेल्प करेगा। चलिए बिना रुके आगे बढ़ते यहां पर। अगला पॉइंट देखिए हमारे पास में क्या आएगा, यहां पर सेक्शन 51। सेक्शन 51 सिंपली कहता है जिस ग्राउंड पर ओपिनियन फ्रेम की गई है वो ग्राउंड भी, वो आधार भी क्या होंगे, रिलेवेंट है जो वहां पर होंगे। सेक्शन 52, 53, 54, 55 के बारे में सीधा सा मुद्दा, यहां पर एक और सेक्शन आएगा 53A। देखो कैरेक्टर जो होता है ना, कैरेक्टर डिपेंड करता है कि सिविल मामला है या क्रिमिनल मामला है, कैरेक्टर डिपेंड करता है सिविल मामला है या क्रिमिनल है जो मामला है। सिविल मामलों के अंदर कैरेक्टर जो है 52 कहता है नॉट रिलेवेंट, लेकिन इसका एक्सेप्शन आता है जब कैरेक्टर खुद अपने आप में क्या हो, फैक्ट इन इश्यू हो, जब कैरेक्टर खुद विवादित हो तब, या फिर सेक्शन 55 जब कैरेक्टर ऐसा हो जो डैमेजेस डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल हो जाए उस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, क्रिमिनल मामलों के अंदर यहां पर दो तरह के कैरेक्टर, पहला तो प्रीवियस गुड कैरेक्टर, ये कहता है सेक्शन 53 के रिलेवेंट है, प्रीवियस बैड कैरेक्टर सेक्शन 54 कहता है पुराना जो बैड कैरेक्टर है वो रिलेवेंट नहीं होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि अगर आपने ये दावा किया है, ये अगर आप ये दावा करते हो क्या कि आपका पास, आपके पास में गुड कैरेक्टर है, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, उसको चैलेंज करने के लिए पुराने गुड कैरेक्टर को भी लाया जा सकता है। प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, इस बात को जरूर ध्यान में रखना कि जो प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है 53A कहता है कि वो अपने आप में रिलेवेंट नहीं होता है। ये सारी बातें यहां पर आ जाएगी। इसके बाद देखिए कुछ फैक्ट होते हैं जिनको साबित करने की जरूरत ही नहीं है, वो फैक्ट दो कैटेगरी में डिवाइड होता है 56 और 58। 56 कहता है जिनको जुडिशली नोटिशेबल है, जिनको जुडिशरी नोटिस करती है स्टेट के संबंध में, इंडिया के संबंध में, पार्लियामेंट के संबंध में, उन चीजों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। 56 को एक्सप्लेन करता है ये जो लिस्ट है ना जुडिशरी नोटिशेबल फैक्ट की, ये लिस्ट 57 प्रोवाइड करता है। 58 सिंपली कहता है कि जो फैक्ट एडमिटेड है उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ओरल एविडेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है आपको 59। मौखिक साक्ष्य जो होते हैं उनके बारे में, ओरल एविडेंस पता है किसको कहते हैं, विटनेस का स्टेटमेंट ओरल एविडेंस है। क्या कह रहा हूं मैं, विटनेस का स्टेटमेंट क्या होता है, ओरल एविडेंस की कैटेगरी के अंदर कंसिडर्ड किया जाता है। ये बात आपके सेक्शन में कहां पर 59 के अंदर है। और ओरल एविडेंस अगर डायरेक्ट है,
मैंने अपनी आंखों से सुना, मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, अपनी सेंसेस से फील किया, इसका मतलब वो वहां पर डायरेक्ट एविडेंस है। और डायरेक्ट एविडेंस है तो सेक्शन 60 कहता है यस, यहां पर इसको एडमिट है जो किया जा सकता है। यानी कि जो ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होना चाहिए। ऐसे ओरल एविडेंस जो डायरेक्ट नहीं होते उनको हियर से एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य कहा जाता है। रिमेंबर दिस फैक्ट, हियर से एविडेंस रिलेवेंट नहीं है, लेकिन हियर से एविडेंस के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन हो गया। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है। 61 की बात करें, यहां पर कहा गया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, या तो प्राइमरी होते हैं या वो सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, 62 प्राइमरी एविडेंस, प्राइमरी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। 63 सेकेंडरी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट मतलब का क्या, जैसे भाई उसकी कॉपी की गई है, उसके जैसा कोई चीज है, ओरिजिनल नहीं है। लैंडलॉर्ड और टीनेंट ने मिलकर एक टीनेंसी एग्रीमेंट बनाया, ओरिजिनल लैंडलॉर्ड के पास पड़ा है, उसकी कॉपी जो है वो टीनेंट के पास पड़ी है। ठीक है, अब भविष्य में कोई डिस्प्यूट होता है तो क्या सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं क्या? सामान्य नियम है, नहीं कर सकते, लेकिन इसका आपको एक्सेप्शन भी मिलेगा। 62 को कनेक्ट करना पड़ेगा आपको 64 के साथ में, जहां पर यह लिखा हुआ है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी चीज आप प्रूफ करना चाहते हो ना, तो आप प्राइमरी एविडेंस के साथ में प्रूफ करो, ये 64 कहता है। उसी तरीके से कुछ मामलों में 65 सेकेंडरी एविडेंस को एडमिट करवाता है। वो कुछ मामले कौन से, जैसे सपोज करो कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो अपने आप में नॉट मूवेबल है, ऐसा है जिसको आसानी से मूव नहीं किया जा सकता, या फिर वो डॉक्यूमेंट जो है लॉस्ट हो चुका है, या फिर क्या है वो डॉक्यूमेंट अपने आप में कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, या फिर ऐसा है जहां पर सर्टिफाइड कॉपी को स्पेशली अलाउ कर रखा है, तो उन मामलों के अंदर सेकेंडरी एविडेंस एडमिशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। हालांकि एक चीज ध्यान रखना, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी अदर पोजीशन, अदर व्यक्ति के पोजीशन में होता है ना, तब भी अलाउ किया जा सकता है, लेकिन वहां पर एक शर्त होती है, वो शर्त होती है सेक्शन 66 की, वहां पर आपको नोटिस है जो देना पड़ता है। लेकिन नोटिस भी कुछ मामलों के अंदर जरूरी नहीं है, आप पढ़ेंगे 66 के अंदर तो कुछ मैटर आएंगे जहां पर नोटिस देना जरूरी नहीं होता है। वापस कह रहा हूं, 65 की सारी सिचुएशन पर 66 लागू नहीं होता है, 65 की सिर्फ एक सिचुएशन पर, जब डॉक्यूमेंट किसी ऐसे व्यक्ति की पोजीशन में है जो लीगली बाउंड है पेश करने के लिए, फिर भी पेश नहीं कर रहा है, तो उसको नोटिस देना पड़ता है 66 में। उसके बाद फिर आप सेकेंडरी एविडेंस मस्ती से कोर्ट के अंदर क्या कीजिए, पेश है जो कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब देखो इसमें एक सेक्शन और आता है, कौन से, 65A और 65B, ये दो सेक्शन यहां पर और आता है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको कैसे साबित करें, 65 सिंपली कहता है कि अगर आप जानना चाहते हो तो 65B के पास जाओ, और 65B ने कहा है कि उसको अगर साबित करना है तो या तो एज ए सर्टिफिकेट साबित करना पड़ेगा, या एज ए जनरल डॉक्यूमेंट आपको उसको साबित है जो करना होगा। इसकी प्रक्रिया 65B बताता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को साबित करने की। 67 में क्या होता है, अच्छा एक चीज और, 61 से लेकर 66 तक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में बातचीत होती है। 67 से लेकर 73 तक उन डॉक्यूमेंट को कैसे साबित करना है इसके बारे में बातचीत होती है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। यहां पर क्या होगा, 67 के अंदर जो है, जो पार्टीज है ना, जिन पार्टी ने एक तरीके से डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, कहीं कहीं उनको एग्जामिन करके, उनसे पूछताछ करके पता किया जाता है कि भाई आप लोगों ने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है क्या। उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, अटेस्टेड मतलब वहां पर विटनेस के द्वारा उसको अटेस्ट किया गया है, तो उस केस में 68 जो अप्लाई होता है। और नियम ये कहता है कि दो में से किसी भी एक विटनेस को आप आइडेंटिफिकेशन करवा लो और वो कहता है कि हाँ डॉक्यूमेंट डन हुआ है, डॉक्यूमेंट अटेस्ट हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट माना जाएगा। लेकिन सिचुएशन कई बार जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे मुश्किल होती है, जैसे मान लीजिए अटेस्टिंग विटनेस नॉट फाउंड, अटेस्टिंग विटनेस जो है मिला ही नहीं, ढूंढने पर भी नहीं मिला, तो क्या करेंगे, कम से कम एक विटनेस के साइन को साबित करना पड़ेगा और पार्टीज के साइन को साबित करना पड़ेगा। ठीक है, पार्टीज, अब देखो सेक्शन 70 जो है ना उसका कनेक्शन है सेक्शन 21 के साथ में। 21 में आप लोगों ने पढ़ा कि जो व्यक्ति, जो पक्षकार एडमिशन करता है, वो एडमिशन उसके फेवर में इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसके अगेंस्ट में इस्तेमाल हो सकता है। कुआ खोद लो, लेकिन आप खुद उसका पानी नहीं पी सकते, आप उसमें जंप करके सुसाइड कर सकते हो, मतलब आपके अगेंस्ट में जा सकता है, फेवर में नहीं जा सकता। सेम चीज सेक्शन 21 का कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट सेक्शन 70 के अंदर भी मिलेगा आपको। जो पार्टी ये एडमिट करती है कि उसने एग्जीक्यूशन किया है, ये एडमिशन जो है उसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है।
राइट right? तो यहां पर पार्टीज का जो एडमिशन होता है उसका क्या एविडेंशरी वैल्यू होगा वो आपको सेक्शन 70 बताता है। 71 में क्या है, जैसे मान लो विटनेस मिल तो गया लेकिन विटनेस ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि सर मेरे को तो याद ही नहीं है, मेरे को तो पता ही नहीं कि मैंने साइन किया है, ये साइन मेरे है कि नहीं है। अगर डिनाई कर देता है तो फिर उस डॉक्यूमेंट को एक तरीके से अनअटेस्टेड की तरह डील किया जाता है, फिर नॉर्मल दूसरे तरीकों से अदर तरीकों से उसको साबित जो किया जाएगा। 72 में अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो लॉ के तहत अटेस्टेशन रिक्वायर था ही नहीं, वहां पर अटेस्ट कराना मैंडेटरी नहीं था फिर भी करा दिया है, तो उसको भी एक अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट की तरह साबित है जो किया जाता है। राइट 73 बहुत ही शानदार सेक्शन है। यहां पर कंपैरिजन करते हैं अपन, क्या करते हैं कंपैरिजन। एग्जाम के अंदर जो हैंडराइटिंग है जो साइन है उनको साबित करने के लिए 45 का इस्तेमाल किया जा सकता है, 47 का इस्तेमाल किया जा सकता है, 67 का इस्तेमाल किया जा सकता है, 73 का इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। 45 एक्सपर्ट ओपिनियन, 47 कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके हैंडराइटिंग बारे में जानता है, 47 67 के अंदर जिस व्यक्ति ने हैंडराइटिंग ली उसी का एग्जामिन करेंगे, 73 में कंपैरिजन करेंगे। इस तरीके से हैंडराइटिंग का अगर आप एविडेंसी वैल्यूएशन निकालना चाहते हो तो इन सेक्शन को यूज है जो कर सकते हो। 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है इसको एक्सप्लेन किया गया है। 75 में प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है इसको एक्सप्लेन किया गया है। पब्लिक डॉक्यूमेंट की परिभाषा याद कर लो, जितना भी डॉक्यूमेंट पीछे बचा वो क्या होगा आपके, वो आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट की कैटेगरी के अंदर कंसीडर जो है किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब सॉवरेन अथॉरिटी से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट, किसी पब्लिक डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट, या ऐसा कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो पब्लिक कैपेसिटी में रखा गया है वो डॉक्यूमेंट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है कहलाएगा। 76 में सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है, अगर आपको एग्जाम में सर्टिफाइड कॉपी का वैलिड पॉइंट पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड सर्टिफाइड कॉपी, सेक्शन 76 की बात को जरूर लिख के आना, और कौन व्यक्ति जो है सर्टिफाइड कॉपी जारी कर सकता है वो भी 76 बताता है। किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट को आप सर्टिफाइड कॉपी के माध्यम से साबित कर सकते हो, ये पॉइंट, एनी पब्लिक डॉक्यूमेंट कैन बी सर्टिफाइड, कैन बी वेरीफाइड बाय प्रूफ ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, दिस प्रोविजन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 77 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहां पर प्रूफ करना सर्टिफाइड कॉपी के माध्यम से 77 जो है बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पर रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अपने चेहरे पर अगर शिकन आ रही है तो शिकन को बोल दो कि कुछ समय के लिए मुझसे दूर चली जा, अभी मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है ना सारी की सारी एनर्जी निकाल के इस बात को पढ़ना है, एविडेंस एक्ट के 167 तक क्या करना है पहुंचना है। आपसे आंखों से आंखें मिला के बात कर रहा हूं, थकना नहीं है, अपनी बॉडी को इतना कह दो कि यार तुझ में बहुत पावर है, बहुत पावर है तुझे अंदर, रुकने का थकने का तो नाम ही नहीं आना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए अगला पॉइंट है हमारे पास में 78 कुछ 5 कैटेगरी है किसकी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की, उनके बारे में बात करता है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है ना उनके बारे में बात जो है की जाती है। 79, अब यहां से स्टार्ट होती प्रिजम्पशन, सर्टिफाइड कॉपी जेन्युइन होगी 79 प्रिज्यूम करता है, लेकिन सेल प्रिज्यूम करता है। देखो दो तरह की प्रिजम्पशन, एक होती प्रिजम्पशन फैक्ट की और एक होती प्रिजम्पशन किसकी, लॉ की। लॉ की प्रिजम्पशन हमेशा क्या होती है, दो तरह की होती है, रिबटेबल और इररिबटेबल, यानी कि खंडनीय और अखंडनीय। फैक्ट तथ्यों की जो प्रिजम्पशन होती है वो हमेशा रिबटेबल होती है, जहां पर तथ्यों की प्रिजम्पशन आती है वो क्या होता है, मे प्रिज्यूम के नाम से जाना जाएगा। जहां पर लॉ की प्रिजम्पशन आती है वो दो तरह की, रिबटेबल है तो शैल प्रिज्यूम और इररिबटेबल प्रिजम्पशन। विधि की अखंडनीय अगर उदाहरण है तो कंक्लूसिव प्रूफ शब्द इस्तेमाल होता है। यहां पर पहले क्या आ जाएगा आपके, विधि का जो है रिबटेबल यानी कि शैल प्रिज्यूम शब्द है जो आएगा। अब देखो जो डॉक्यूमेंट आपने पेश किए हैं वो प्रॉपरली, जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए हैं वो प्रॉपरली अटेस्ट होंगे, उसके अंदर जो साइन किए गए वो सही होंगे, सेक्शन 80 बात करता है। और जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किए गए वो, जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किए गए ध्यान रखना 89 में डील होते हैं। 89 में क्या आता है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के सामने नहीं पेश किए गए वो भी प्रॉपरली अटेस्ट हुए होंगे, ऐसी प्रिजम्पशन की जाती है। तो 80 और 89, 80 और 90, 80 और 89 ये दोनों जुड़वा भाई हैं, ये कुंभ के मेले में बिछड़े हुए जुड़वा भाई हैं, दोनों को साथ साथ में पढ़ना होगा हमें। ठीक है, गजट की बात करें तो गजट जो है ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो गजट है वो अपने आप में जेन्युइन होता है। वहां पर 81A भी आता है जो कहता है ई गजट,
जो ई गजट है वो भी अपने आप में क्या होगा, जेन्युइन होगा, ऑथेंटिकेट होगा। 82 को मत पढ़ो, रिलेवेंट नहीं है। यहां पर ये यूके यूनाइटेड किंगडम के कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में प्रिजम्पशन करता है जो कि एग्जाम में आज तक नहीं पूछी गई। 83 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी मैप जो होता है, नक्शा वगैरह जो होता है जिसको गवर्नमेंट ने खुद पब्लिश करवाया है वो क्या होगा, ऑथेंटिकेट होगा, जेन्युइन होगा, ठीक है। 84 की बात करें, कोई भी लॉ बुक्स है जिसको गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटी में पब्लिश करवाया है वो भी जेन्युइन होगी। 84 कहता है 85 के अंदर पावर ऑफ अटॉर्नी आप अपने वकालत का वकालतनामा जो है 85 से कर सकते हो। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी पर प्रॉपरली नोटरी के द्वारा अटेस्टेड किया गया है या जज के द्वारा प्रॉपरली अटेस्टेड है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड है, ऐसा 85 मानता है। उसके बाद में तीन सेक्शन हमारे सामने आते हैं। तीन सेक्शन कौन कौन से, एक तो आता है 85A, दूसरा 85B, तीसरा 85C। 85A कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट जो है वो अपने आप में जेन्युइन होंगे, जो भी उनके कंटेंट्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया गया होगा ऐसा माना जाएगा। 85B कहता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को अल्टर नहीं किया गया होगा ऐसा प्रिज्यूम करता है 85B। 85C क्या कहता है, वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो प्रॉपरली उसी व्यक्ति से बिलोंग करता है, उसी अथॉरिटी की तरह इश्यू किया गया जिसका नाम वहां पर जाहिर है, 85C। इस तरीके से ये तीन प्रिजम्पशन भी अप्लाई वहां पर क्या है, होती है। 86 फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, जो विदेशों का, विदेशी कोर्ट का जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स होता है उसको भी क्या माना जा सकता है, जेन्युइन माना जा सकता है। आप लोगों ने फॉरेन जजमेंट पढ़ा है ना सीपीसी के अंदर सेक्शन 13 और 14, उसको कनेक्ट करो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 86 से। 86 से क्या हो जाएगा, सीपीसी के सेक्शन 13 और 14 का सीधा कनेक्शन जो है वो जुड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, अब अभी तक हम कहां तक पहुंचे, 86 पर, 87 की बात करते हैं। यहां पर 87 के अंदर क्या पॉइंट आ जाएगा कि जो मैप्स हैं, जो नक्शे हैं, उसके अंदर जो डेटा पब्लिश किया गया है वो डेटा एक्यूरेट होगा। वहां पर लिखा हुआ है कि इस संस्था ने इसको पब्लिश किया वगैरह, ये ईयर है, यहां पर जिसके साइन है उसको ऑथेंटिकेट माना जाएगा। 88 की बात करें, टेलीग्राफिक मैसेज, जो टेलीग्राफ के मैसेज हैं उनको वैलिड माना जाएगा। 88A, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, ई मैसेज, जिसके अंदर आप ईमेल वगैरह को भी कंसीडर कर सकते हो। गूगल के अंदर आपने जीमेल के माध्यम से किसी एक फ्रेंड को मेल किया तो वहां पर उस फ्रेंड ने उसका स्क्रीनशॉट लेके कोर्ट में पेश किया तो ये माना जाएगा कि ये ईमेल उसके व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ है और सही है। मतलब जो चीज आपने टेलीग्राम ऑफिस में रखवाई है वही चीज आगे डिलीवर हुई होगी, ऐसी प्रिजम्पशन यहां पर ली जाएगी। सेक्शन 90 89 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस नहीं किए गए उनके अटेस्टेशन के बारे में प्रिजम्पशन करता है 89। सेक्शन 90, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है, कितना, 30 साल अगर पुराना है तो उसके बारे में जो व्यक्ति ने साइन दिख रहे हैं, जिस व्यक्ति की हैंडराइटिंग है, जो डेट है, उसको जेन्युइन मानेंगे। ध्यान रखना, कंटेंट के बारे में, उसके अंदर की अंतर्वस्तु के बारे में कोई प्रिजम्पशन नहीं होती है, सिर्फ ये प्रिजम्पशन है कि हाँ ऐसा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ होगा। नाउ इलेक्ट्रॉनिक, यहां पर 90A एक और प्रावधान भी आता है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं और ई डॉक्यूमेंट है, अगर ई डॉक्यूमेंट है और 5 साल पुराना है तो उसको भी क्या माना जा सकता है, वैलिड जो माना जा सकता है, जेन्युइन जो है माना जा सकता है। ठीक, ये बात तो आपके डॉक्यूमेंट के बारे में क्या अप्लाई हो जाती है कि डॉक्यूमेंट की अलग अलग जो प्रिजम्पशन है वो किस तरीके से डील करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, अब आगे के प्रावधान और भी आसान है। ऑरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के संबंध में हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को अभी तक डील किया। ऑरल एविडेंस क्या होता है, ऑरल एविडेंस थोड़ा सा वीक एविडेंस है, थोड़ा सा कमजोर है, डॉक्यूमेंट्री थोड़ा सा मजबूत है। जो लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता और जो बोला हुआ है उसको तो 2 मिनट के अंदर व्यक्ति जो क्या कर देता है, वापस पीछे हट जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 91 92 93 94, दो तरह का एम्बिग्यूटी होता है। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से उसके अंदर असंगति है, प्रॉपरली उसके अंदर किसी तरह की अस्पष्टता है। दो तरह की एम्बिग्विटी होती है, एक तो बाहरी पेटेंट एम्बिग्विटी, दूसरा होता है लेटेंट आंतरिक एम्बिग्विटी। जो बाहरी एम्बिग्विटी है वो डॉक्यूमेंट के फेस पर दिख जाती है और जो आंतरिक लेटेंट एम्बिग्विटी है वो फेस पर नहीं दिखती है। जब आप उसको अप्लाई करते हो ना तब पता चलता है कि यार इसमें तो गड़बड़ी वाली है। ठीक है, तो ऐसी ही बातें आपको 91 से लेकर 100 के अंदर मिलेगी। सबसे पहले 91 की बात मैं अगर करूं तो जो डॉक्यूमेंट अपने आप में स्पष्ट है, जो डॉक्यूमेंट लिखित में है उसको लिखित के माध्यम से साबित करना चाहिए। 92 कह रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट
प्रॉपरली लिखा गया है, अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली लिखा गया है तो आप उसको ओरल एविडेंस से, आप उसको ओरल एविडेंस से जो है ना डिसप्रूव नहीं कर सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते डॉक्यूमेंट प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ है, ओरल से उसको नहीं कर सकते, यानी कि ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया। 93 के बाद पहुंचते हैं, 93 कहता है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में पेटेंट एम्बिग्विटी है, यानी कि बाहरी अस्पष्टता है, तो वहां पर कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा, नो एविडेंस, वो डॉक्यूमेंट अपने आप में क्या है, गड़बड़ माना जाएगा। 94 कहता है ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें किसी तरह का कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ना तो बाहरी है ना आंतरिक है, तो उस केस में उस डॉक्यूमेंट को चैलेंज करने के लिए कोई भी एविडेंस जो है वो नहीं दिया जा सकता। 95, 96, 97, 98 ये चार बातें लेटेंट एम्बिग्विटी में डील करती है, आंतरिक अस्पष्टता में डील करती है। क्या क्या चीजें हैं, जैसे देखो, जब आपने डॉक्यूमेंट को एग्जिस्टिंग फैक्ट पर अप्लाई किया तब पता चला कि यार ये डॉक्यूमेंट तो उससे कनेक्टेड है ही नहीं, तो यहाँ पर आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, ओरल या अन्य एविडेंस जो है दे के उसको साबित कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है इसी तरह का लेटेंट एम्बिग्विटी का, हमारे सामने आएगा 96 में क्या होता है कि आपके पास में जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट ए पर भी अप्लाई हो रहा है, बी पर भी अप्लाई हो रहा है, तो इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है कि किसके ऊपर अप्लाई करना है, ए पर या बी पर, तो यहां पर एविडेंस दिया जा सकता है। लेटेंट एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए एविडेंस दिए जा सकते हैं, पेटेंट एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं दिया जा सकता, इस बात को माइंड में लॉक कर दीजिए। उसके बाद में 97 यहां पर क्या है कि यहां पर यह कहता है कि कोई डॉक्यूमेंट जो है ना वो होली पूरा का पूरा किसी पर्टिकुलर सेट पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, एविडेंस जो है वो दे सकते हो। उसके बाद में अगर इलिजिबल कैरेक्टर है, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर भी एविडेंस दिया जा सकता है। 98 ये जो एविडेंस देने की बात आ रही है, एविडेंस देने की जो बात आ रही है ना, कौन एविडेंस दे सकता है, तो पार्टीज, डॉक्यूमेंट की पार्टी नहीं दे सकती, उसका एजेंट नहीं दे सकता, उनके अलावा थर्ड पर्सन यानी कि एक तरीके से स्ट्रेंजर इस मामले में एविडेंस जो है वो दे सकता है। सेक्शन 100 कहता है कि ये जो इतनी भी बातें आपने 91 से लेकर 99 के अंदर पढ़ी है ना, ये बातें अप्लाई नहीं होगी विल के कंस्ट्रक्शन में। ध्यान रखना, इसने ये नहीं लिखा है कि विल पर लागू नहीं होगी, विल के कंस्ट्रक्शन पर ये बातें लागू जो है वो नहीं होगी। ओके, उसके बाद में हमारा पोर्शन जो स्टार्ट होता है वो होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ को ध्यान से समझना, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात है। क्या है वो इंटरेस्टिंग बात, कि सेक्शन 101 और 102 ये जनरल नियम है। अटेंशन, ध्यान से सुनो मेरी बात को, 101 और 102, 101 और 102 ये एविडेंस के जनरल नियम है। 101 क्या कहता है कि जो व्यक्ति कोर्ट से कोई रिलीफ लेना चाहता है, बर्डन उसके ऊपर है कि वो आके कोर्ट में उस चीज को साबित करे, प्रूफ करे, नंबर वन। 102 ये कहता है कि अगर दोनों तरफ से, लेफ्ट वाली पार्टी से राइट वाली पार्टी से, दोनों तरफ से एविडेंस नहीं आए, तो जो पार्टी केस हार जाएगी, बर्डन उसके ऊपर है कि वो क्या करे, उस केस को साबित करे, ठीक है। तो 101 और 102 ये दोनों ही जनरल रूल है, एक बर्डन ऑफ प्रूफ है और एक ऑनर्स ऑफ प्रूफ है, ठीक है। इनके अलावा, अब इन दोनों के अलावा ये तो क्या है, जनरल नियम है, ये तो बर्डन ऑफ प्रूफ के जनरली में, बाकी सारी जो बातें हैं ना वो प्रिजम्पशन है, वो क्या है, उपधारणा है। कैसे, देखिए 103 जो है ना ये प्रिज्यूम करता है कि कुछ फैक्ट जो है वो एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट। 103 में क्या लिखा हुआ है कि जो कोई व्यक्ति कोई पर्टिकुलर फैक्ट कहता है तो उसको साबित करना पड़ेगा। इसका मतलब प्रिजम्पशन क्या है, प्रिजम्पशन ये है कि पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, यही प्रिजम्पशन हुई, तो प्रिजम्पशन ऑफ एब्सेंस ऑफ फैक्ट 103 के अंदर आ जाएगा। 104 क्या कहता है कि अगर आप किसी चीज को एडमिट करवाना चाहते हो, एडमिशेबल कराना चाहते हो, तो उसके लिए जो फैक्ट चाहिए वो आपको साबित करने पड़ेंगे, यानी कि कुछ फैक्ट को एब्सेंस माना जाता है, जिन फैक्ट से कोई भी चीज साबित की जा सकती है, एडमिशेबल कराई जा सकती है, वो फैक्ट वहां पर प्रेजेंट नहीं है, ये बात यहां पर अप्लाई होती है 104 के अंदर। आगे देखिए 105 यहां पर क्या कहता है कि अगर आप ये कहते हो कि आपका केस जो है वो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 76 से लेकर 106 यानी कि जनरल एक्सेप्शन में या स्पेशल एक्सेप्शन में, ध्यान रखना जनरल या स्पेशल एक्सेप्शन में कवर्ड होता है, तो बर्डन आपके ऊपर है। यानी कि यहां पर 105 में प्रिजम्पशन क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ नो एक्सेप्शन।
क्या है प्रिजम्पशन यहां पर? प्रिजम्पशन ऑफ नो एक्सेप्शन। कानून ये मानेगा कि आपका केस जो है वो अपवाद में एक्सेप्शन में नहीं आता है। अब आपके ऊपर बर्डन है, आप साबित करो कि आपका केस एक्सेप्शन के अंदर कवर्ड हो रहा है। 105 106 के अंदर अगर कोई चीज स्पेशल नॉलेज में है तो कानून ये प्रिज्यूम करेगा कि नो सच स्पेशल नॉलेज, आपको साबित करना पड़ेगा। प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, जिंदगी की प्रिजम्पशन 107 के अंदर आती है। पिछले 30 सालों के अंदर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को देखा है तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति क्या है, जिंदा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो मर गया है तो बर्डन उसके ऊपर है कि वो साबित करे कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज डिसीज नाउ, वो भी जिंदा नहीं है। तो प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, 108 में प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। पिछले 7 साल के अंदर वो लोग जो नेचुरली किसी व्यक्ति को सुनते थे, अगर उन्होंने पिछले 7 साल के अंदर लास्ट 7 ईयर के अंदर उस व्यक्ति को नहीं सुना है तो ये माना जाएगा कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नो मोर, वो व्यक्ति अभी जिंदा नहीं है। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ कंसिडर की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो जिंदा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, साबित जो है करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, 108 जो है ना, 108 107 को क्वालिफाई करती है। सेक्शन 108 क्वालिफाई द सेक्शन 107, दैट पॉइंट टू बी नोटेड हियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट 109, यहां पर क्या है, प्रिजम्पशन आती है रिलेशन के बारे में, है ना। 110 प्रिजम्पशन आती है ऑनरशिप के बारे में कि कोई व्यक्ति जिसके पास पजेशन है इसका मतलब वो मालिक होगा, ऑनरशिप होगा। 111 के अंदर प्रिजम्पशन आती है एक्टिव कॉन्फिडेंस की। एक्टिव कॉन्फिडेंस इंडियन पीनल कोड के अंदर आप जो गुड फेथ पढ़ते हो ना, सेक्शन 52, वहां पर इसका कनेक्शन है। अगर मास्टर सर्वेंट या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अंदर कोई ऐसा रिलेशन है जहां पर एक्टिव कॉन्फिडेंस हो सकता है तो वो साबित करने का बर्डन जो है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एक वकील के ऊपर ये आरोप लगाया गया, ये एक्यूजेशन लगाया गया उसके क्लाइंट ने कि वकील साहब ने क्या किया, मेरी प्रॉपर्टी जबरदस्ती धोखाधड़ी से अपने नाम करवा दी। तो यहां पर 111 ये कहता है कि एक्टिव डोमिनेंट पोजीशन में कौन है, एडवोकेट है, तो एडवोकेट पर ये बर्डन जाएगा कि उसने धोखाधड़ी नहीं की है। प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ को स्विच कर देती है। तो एक्टिव कॉन्फिडेंस की 111 में क्या है कि यहां पर आपके द्वारा ऑफेंस बाय प्रेजेंस, आप किसी डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, इसका मतलब आपने वो अपराध किया है, 111 ए ये कहता है। 112 में क्या है, 112 में कंक्लूसिव प्रूफ है, कंक्लूसिव प्रूफ है किसी बच्चे के लेजिटिमेट होने का। अगर विवाह के विच्छेद होने से 280 दिन के भीतर अगर किसी माँ ने, किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है तो वो बच्चा उस व्यक्ति का ही होगा, ऐसा 112 प्रावधान करता है। शर्त है कि जिस समय ये बी गॉटन होना चाहिए था उस समय उनके बीच में किसी तरह का सेपरेशन नहीं हो। 113 के अंदर सेसेशन ऑफ टेरिटरी, अगर ऑफिशियल गजट से किसी टेरिटरी को खत्म कर दिया गया तो वही अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ है जो माना जा सकता है, इसको बोला जाता है सेसेशन ऑफ टेरिटरी। ये भी अपने आप में क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ। वापस रिकॉल करो 41, 112, 113 कंक्लूसिव प्रूफ के अंदर है जो कंसिडर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, आइए जरा उसको ऑब्जर्व करते हैं। देखिए 114 में एक नहीं बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं 113 ए को नहीं भूलना चाहिए, जहां पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की प्रिजम्पशन ली जाती है। विवाह के 7 साल के भीतर अगर किसी महिला ने सुसाइड कमिट की है और ये पाया जाता है कि कहीं की क्रुएल्टी हुई थी तो वहां पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड सेक्शन 306 आईपीसी की प्रिजम्पशन कंसिडर की जा सकती है। उसी तरीके से डॉवरी डेथ 113 बी, किसी महिला ने इस तरीके से डॉवरी डेथ हुआ है और वहां पर यह बात आती है कि उससे जस्ट पहले, डेथ से जस्ट पहले उसके साथ किसी तरह का क्रुएल्टी किया गया है तो वहां पर वो चीज 113 बी के तहत यह माना जाएगा कि डॉवरी डेथ कमिट की गई है 113 बी के अंदर। फिर 114 कई सारी बातें बताता है, जैसे स्टॉलन गुड्स, किसी व्यक्ति के पास चोरी का माल है इसका मतलब वो या तो वो चोर है या फिर उसने स्टॉलन प्रॉपर्टी चुराई है। जैसे अकम्प्लिश जो है, यानी कि सह अभियुक्त जो है वो अनवर्थी ऑफ क्रेडिट है, ये बात भी प्रिज्यूम यहां पर की जाती है। जैसे कोई व्यक्ति मना कर देता है आंसर देने से, इसका मतलब अगर वो आंसर देता तो उसके अगेंस्ट में होता। कोई व्यक्ति जो है किसी डॉक्यूमेंट को पेश नहीं करता है, नॉट प्रोड्यूस, तो अगर वो पेश करता तो उसके अगेंस्ट में होता। ऐसी कई तरह की प्रिजम्पशन जो 114 में ली जा सकती है। 114 वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप इंडियन एविडेंस एक्ट के कई सारे सेक्शन की फ्लाइट टेक ऑफ करवा सकते हो, है ना। अब कैसे करवा सकते हैं वो तो अब रेगुलर क्लासेस के लेंथी सेशन में अपन डिस्कस कर पाएंगे। 115 114 ए पर आ जाइए, 114 ए, यहां पर जो
मथुरा केस हुआ था उसके बाद अमेंडमेंट हुआ था 1983 के अंदर, उससे इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया कि अगर कोई महिला जिसके साथ रेप हुआ है वो चिल्लाई नहीं, उसने किसी तरह का विरोध अपोजिशन नहीं किया, उसकी बॉडी पर किसी तरह का पेन का निशान नहीं है, इट डजेंट मीन कि उसने कंसेंट दे दी है। प्रिजम्पशन ऑफ नो कंसेंट 114A के अंदर जो है आती है, ये भी लॉ की डिबेटेबल प्रिजम्पशन है। इसके अलावा 115 ये क्या करता है, इस्टॉपल के सिद्धांत को बताता है। इस्टॉपल, एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दिया पीछे नहीं हट सकते, ये नियम 115 के अंदर आता है। ठीक है, इस्टॉपल का सिद्धांत कई जगह पर लागू होता है, सिविल और क्रिमिनल दोनों जगह पर, क्रिमिनल में कम होता है सिविल में ज्यादा होता है। ठीक है, इस्टॉपल का सिद्धांत, उसके दो स्पेशल एग्जांपल 116 और 117 के अंदर है। जैसे 116 के अंदर आपने लाइसेंस ले रखा है किसी से, बाद में आप ये नहीं कह सकते कि जिसने आपको लाइसेंस दिया उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, यू आर स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग दैट कैरेक्टर। उसी तरीके से टीनेंसी का एग्जाम्पल ले लो, आपने किसी व्यक्ति के मकान के अंदर एज ए टीनेंस आप रह रहे हो, ठीक है, और बाद में कहते हो जिसमें मकान किराए पर दिया गया था उस समय ये तो मकान मालिक ही नहीं था, कानून कहता है नो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर किसी तरह का प्रॉमिस रोड, आपने बिल एक्सेप्ट किया और बाद में कह रहे हो साहब इसके पास तो बिल ड्रॉ करने की अथॉरिटी नहीं थी, नॉट एक्सेप्टेबल, 117 में ऐसा कहा गया है। 118, 19, 20 हमने पहले डिस्कस किए जब हम सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20 को पढ़ रहे थे। अब आ जाते हैं 121 पे, प्रिविलेज कम्युनिकेशन। दो तरह का प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है, ध्यान रखना कौन कौन सा होगा। पहला कि आपको बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, इसको बोला जाता है नॉन कम्युनिकेशन प्रिविलेज, वर्ड याद कर लीजिएगा नॉन कम्युनिकेशन प्रिविलेज। और दूसरा होता है नॉन प्रोडक्शन प्रिविलेज, किसी भी चीज को पेश करने के लिए आपको कंपेल नहीं कर सकते। अब देखो, जज के पास नॉन कम्युनिकेशन प्रिविलेज होता है कहां पर, 121 के अंदर जज और मजिस्ट्रेट के पास में ऐसा नॉन प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, मतलब उसकी कोर्ट में उसके सामने सूट के दौरान सुनवाई के दौरान जो जो बातें हुई है उसको एज ए विटनेस कहीं पर बताने के लिए उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, सिवाय दो चीजों के। पहला, उसका सुपीरियर कोर्ट अगर ऐसा कहे तब ऐसा हो सकता है, या फिर उसके सामने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हो गई हो, जैसे किसी क्लाइंट ने जूता उठा के दूसरे व्यक्ति पर मार फेंक दिया हो, या दूसरे व्यक्ति को उसके सामने उसका मर्डर कर दिया, उसको हर्ट पहुंचा दिया, उसके बारे में स्टेटमेंट है जो दे सकता है। 122 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, विवाह के दौरान, विवाह के दौरान मतलब जब उनका गृहस्थ जीवन चल रहा होता है तो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, इसको भी कंपेल नहीं किया जा सकता। और अगर कोई मैरिड पार्टनर जो है कोर्ट में आगे ऐसा बयान देता है तो कोर्ट परमिट भी नहीं करेगा, नाइदर कंपेल नॉर परमिटेड, ना तो कंपेल कर सकते हैं ना ही उसको क्या किया जा सकता है, परमिट जो है वो किया जा सकता है। लेट मूव अहेड, आगे और कौन कौन सी प्रिविलेज जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखी है, आइए जरा बात करते हैं। 123 यहां पर क्या है, स्टेट अफेयर्स, जो राजकार्य होते हैं ना उनके संबंध में कोई भी अनपब्लिश डॉक्यूमेंट है, कोई भी अनपब्लिश डॉक्यूमेंट है उसको पेश नहीं कराया जा सकता जब तक कि वहां का HOD जो है इस बात की अनुमति नहीं देता। 124 किसी तरह का कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो रखा है दो पब्लिक ऑफिसर के बीच में, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ध्यान रखना प्राइवेट व्यक्तियों के बीच में ऑफिशियल कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, पब्लिक ऑफिसर जो होते हैं उनके बीच में जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उसको प्रोटेक्ट किया गया है। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है, शासकीय संचार जो होता है उसको प्रोटेक्ट किया गया। 125 में अपराध की सूचना कहां से मिली, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, किसके बारे में, कोई भी अपराध हुआ है पुलिस को किसी ने, उसके सूत्रों ने जानकारी दी, तो वो जो सूत्र है ना, वो जो सोर्स है उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। 126 में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट किया गया है कि हर प्रोफेशनल की जिम्मेदारी है कि वो ड्यूरिंग द एंगेजमेंट जो भी बातचीत हुई क्लाइंट के साथ में उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। 127 कहता है कि 126 का प्रावधान जो है ना वो उस प्रोफेशनल के इंटरप्रेटर पर भी लागू होगा, उसके क्लर्क पर भी अप्लाई होगा। 128 ही कहता है कि अगर वो क्लाइंट है ना, वो क्लाइंट कोर्ट के अंदर विटनेस बन के आ गया अपनी इच्छा से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अनुमति मिल गई कि अब आप भी जो है उस विटनेस या उस क्लाइंट के बारे में कुछ भी कह दो, नहीं कह सकते। वॉलेंट्री वेवर ऑन द पार्ट ऑफ क्लाइंट डज नॉट अलाउ द प्रोफेशनल टू कम्युनिकेट होल थिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये याद रखना, 128 में आता है।
129 क्लाइंट पर लागू होता है। यहां पर जो लीगल एडवाइजर है उसके साथ में आपने कोई भी कम्युनिकेशन किया है आप डिस्क्लोज नहीं करोगे। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे वकील साहब ने ये सलाह मुझे दी थी, नहीं, ये बात आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। 130 कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जहां पर आप विटनेस हो, पार्टी नहीं हो, आप उन डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए फ्री हो अगर शर्त है वो डॉक्यूमेंट इस तरीके का हो। 130 के अंदर तो यहाँ पर नॉन प्रोडक्शन प्रिविलेज जो है वो अप्लाई होती हैं। और 131 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। अब आपने किसी और के बिहाफ पर, किसी अन्य पर्सन के बिहाफ पर डॉक्यूमेंट होल्ड करके रखा है तो जो प्रोटेक्शन 130 वाले को मिल रहा है वही प्रोटेक्शन 131 वाले को भी मिलेगा, ये बात यहाँ पर अप्लाई होती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ कौन कौन सी बातें थी नॉन प्रोडक्शन नॉन प्रिविलेज वाले केसेस के अंदर जो है लागू हो रही थी। थक गए क्या? अरे ना, सवाल ही नहीं। लॉ के स्टूडेंट थक जाए ऐसा तो मैंने सुना भी नहीं है। अभी तो देखो 10 मिनट के अंदर क्या करेंगे, बाकी के सेक्शन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सेक्शन 132 से लेकर 167 तक तैयार हो या नहीं हो बताइए, सीपीयू इज वर्किंग और नॉट? 100% वर्क कर रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है। और अभी जो है ना, अभी अगले 30 से 35 सेक्शन का करेंगे पोस्टमार्टम। अरे खुद ही को कर दे बुलंद, इतना जमाना बदल गया है, सुन लीजिएगा, खुद ही को कर बुलंद, इतना चढ़ जा जैसे तैसे, खुद खुदा के पूछे बंदे अब उतरेगा कैसे, तो उतरने का तो सवाल ही नहीं होता। अभी तो और आगे जाएंगे, 132 इंतजार कर रहा है, चले उसके इंतजार को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। चलिए आ जाइए मेरे साथ में, यहां पर देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट के 132 के अंदर 132 सिंपली कह रहा है क्या कि कोई भी सवाल आपसे पूछा गया, आप ये ग्राउंड लेकर कि इससे मैं क्रिमिनेट हो जाऊंगा, इससे मेरे आपराधिक प्रवृत्ति हो जाएगी, आप बच नहीं सकते, है ना, तो आपको इस ग्राउंड पे माफ नहीं किया जा सकता। तो क्रिमिनेशन के ग्राउंड पर कि आप जो है आपराधिक प्रवृत्ति के साबित हो जाओगे, इस ग्राउंड पर आपको आंसर देने से कोई बचा नहीं सकता। 132 का कनेक्शन जुड़ता है 147 के साथ में, कनेक्शन तो और भी जुड़ता है, 147 के साथ में भी जुड़ता है, 146 के साथ में जुड़ता है, 148, 149, 150 सबके साथ कनेक्शन जुड़ता है, लेकिन जुड़ेगा कैसे डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे। अभी ध्यान रख लो 133 अकम्प्लिश जो है यानी कि सह अभियुक्त जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, ये बात 133 कहता है। अब यहां पर विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 114 का बी जो है वो तो कुछ और कह रहा था कि अनकम्प्लीट अनवर्थी ऑफ क्रेडिट, और 133 अलग कुछ बात कहता है। टेंशन नहीं लेने का, दोनों के बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी डिटेल में समझेंगे कभी किसी दिन और। 134 नंबर ऑफ विटनेस, कितने विटनेस होने चाहिए, तो क्वांटिटी ऑफ विटनेस डजंट मैटर, क्वालिटी ऑफ विटनेस मैटर, कहने का मतलब विटनेस जो है क्रेडिबल होना चाहिए ये मैटर करता है। एक अकेले गवाह की सोल टेस्टिमनी पर भी पनिशमेंट जो है वो दी जा सकती है। ठीक है, 135 अब देखो 135 जो है ना क्या कहता है कि किस ऑर्डर में विटनेस को पेश किया जाएगा, किस ऑर्डर में विटनेस को पेश किया जाएगा ये कौन तय करेगा, सीपीसी तय करेगा और सीआरपीसी तय करेगा। तो 135 सिंपली रेफर कर रहा है कहां पर, सीपीसी और सीआरपीसी के ऊपर प्रोविजन को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है 135 और कोई भी काम वहां पर नहीं कर रहा है। 136 जज की पावर है, कोई भी एविडेंस को एडमिशिबल मानना है तो कैसे मानना है, ये जो पावर है ना ये उस जज को 136 देता है। रिमेंबर वन थिंग, सेक्शन 136, सेक्शन 148, सेक्शन 165, ये तीन सेक्शन जज को एक विशेष एक स्पेशल पावर जो है वो देते हैं। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 137 डेफिनेशन का काम करता है, 137 क्या करता है, डेफिनेशन का काम करता है। जैसे सेक्शन 17 नहीं था, जैसे सेक्शन 62 नहीं था, 63, 74, 75 ये सेक्शन डेफिनेशन का काम कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से 137 भी। चीफ एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षा, री एग्जामिनेशन पुनः परीक्षा क्या होती है उसको एक्सप्लेन जो है वो करता है। आगे देखिए 138 में जो एग्जामिनेशन है, डेफिनेशन किसकी, चीफ की, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन की, उसके बाद री एग्जामिनेशन की, 137 बताता है। 138 में क्या होगा, ये जो एग्जामिनेशन है किस ऑर्डर में होगा, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, ये एक्सप्लेन करता है 138। एग्जाम में स्पेशली ध्यान देना, अगर आप प्रीलिमिनरी की तैयारी कर रहे हो तो पूछ क्या रहा है एक बार देख लेना, ऑप्शन में 137 भी होगा 138 भी होगा, ऐसा नहीं हो गलती से 137 की जगह 138 लिख जाओ, अरे नंबर कट जाएगा, और कुछ भी हो जाए नंबर नहीं कटने देना है। ठीक है,
कुछ भी हो जाए नंबर नहीं कटने देना है। उसके बाद 139, अगर किसी को आपने कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बुलाया है तो सिर्फ वो डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए आया है इसका मतलब वो विटनेस नहीं बना है और आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन जो है नहीं कर सकते जब तक आप उसको विटनेस के रूप में कॉल नहीं कर देते। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट 140, अगर कोई विटनेस टू कैरेक्टर है, अगर सील का साक्ष्य देने के लिए कोई व्यक्ति आया है तो उसको क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है। कैरेक्टर की रिलेवेंसी कहाँ होती है, सेक्शन 52, 53, 53A, 54, 55, याद रखना, भूलना मत, ठीक है। 140 उसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पर 140 के बाद क्या आता है, फिर हमारे सामने आता है लीडिंग क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो अपने आप में जवाब बताते हैं। जैसे कई बार मैं आपसे पूछता हूं ना, अरे तुम्हारे में तो बहुत एनर्जी दिख रही है, आगे बढ़ दे क्या, तुम कहोगे हाँ सर आगे बढ़ दो, ये लीडिंग सवाल है एक तरीके से, जहां पर जवाब ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंडिकेटेड है। तो 141 बताता है कि लीडिंग क्वेश्चन होते क्या है, सूचक प्रश्न, क्या बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, सूचक प्रश्न क्या होते हैं। लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछे जा सकते, मे नॉट कब नहीं पूछे जा सकते, तो ध्यान रखना अगर सामने वाली पार्टी अपोज करती है तो, अगर अपोज नहीं करती है तो चलने दो, नाव जैसी बहती है बहने दो, लेकिन अपोज किया है तो वहां पर कोर्ट की परमिशन के बिना आप चीफ एग्जामिनेशन के अंदर नंबर एक, साथ ही साथ में आपका जो री एग्जामिनेशन होता है वहां पर आप जो है ये सवाल नहीं पूछ सकते। कहां पर पूछ सकते हो, कहां पर आपको अलाउ है लीडिंग सवाल पूछना, तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ना वहां पर अलाउ है। प्रति परीक्षा के अंदर आप लीडिंग सवाल जो क्या कर सकते हो, पूछ है जो सकते हो, ठीक है। अब मे नॉट आएगा, मस्ट नॉट आएगा, ये जरूर रिकॉल कर देना, कहीं पर मे की परिभाषा भी मस्ट होती है। ओके, नाउ 144 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें क्या होता है कि अगर एक विटनेस अपने एग्जामिनेशन के दौरान किसी डॉक्यूमेंट का जिक्र करता है, वो किसी डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है, वो कहता है जैसे एक मुनीम जी को कोर्ट के अंदर लेकर आ गए, वो मुनीम जी कहते हैं हाँ मैंने सेठ जी को है ना वो पत्र पढ़ते हुए देखा था। अब कोर्ट का जो सामने वाला वकील हो कहेगा कि मुनीम जी पहले वो पत्र पेश करो, वो लेटर पेश करो, उसके बाद आपके विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, उस डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट इन राइटिंग का जिक्र वहां पर किया है तो वो डॉक्यूमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, पेश है जो करना पड़ सकता है, ठीक है। ये बात 144 में आती है। अब देखो एक शब्द होता है जिसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब विरोधाभास क्रिएट करना प्रीवियस स्टेटमेंट से। अगर आपने किसी प्रक्रिया में पहली बार कोई दूसरा स्टेटमेंट दिया, नेक्स्ट में कोई अलग स्टेटमेंट दे दिया, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, तो आपको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है प्रीवियस स्टेटमेंट को लेकर। कहां पर, 145 के अंदर, ये बात याद रखना, 145 में कॉन्ट्राडिक्ट करना और 157 में कॉरोबरेट करना। एग्जाम्पल सुन ली, 161 का बयान हो रहा था 161 का, वहां पर आपने कुछ और बात कही, और जब 313 का कोई स्टेटमेंट था वहां पर आप कुछ और बात कह रहे हो, तो 313 का स्टेटमेंट, 313 का स्टेटमेंट 161 स्टेटमेंट के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट है, सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट लागू हो जाएगा। अगर वो कॉरोबरेटिव है 157 अप्लाई हो जाएगा। दोनों सेक्शन को ध्यान रखना, 145 157 दोनों के दोनों प्रीवियस स्टेटमेंट पर क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट 146, लॉफुल क्वेश्चन क्या क्या होंगे, लॉफुल क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि वेरासिटी को टेस्ट करने वाले वगैरह, क्रेडिबिलिटी को टेस्ट करने वाले, तो कौन कौन से क्वेश्चन लॉफुल है 146 आपको बताता है। 147 सिंपली कहता है कि विटनेस को कब आप कंपेल कर सकते हो, विटनेस को कब कंपेल किया जा सकता है आंसर देने के लिए, तो यहां पर 132 के प्रोविजन को लागू किया जाता है। तो 147 132 के बीच में यहां पर ये कनेक्शन है। 148 जो है ना वो स्पेशल पावर देता है कि जज टू डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगा कि कब सवाल पूछना है, कब जो है सवाल क्वेश्चन जो है वो पूछना है, और कब विटनेस को कंपेल करना है, एंड व्हेन टू कंपेल, और कब उसे कंपेल करना है सवाल का आंसर देने के लिए, दैट थिंग विल बी डिसाइडेड बाय द जज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 148 148 के सेक्शन से वो ऐसा कर पाएगा। 149 कहता है कि बिना रीजनेबल ग्राउंड के, विदाउट रीजनेबल ग्राउंड कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, विदाउट रीजनेबल ग्राउंड कोई भी सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, और अगर पूछ लिया तो, क्योंकि एडवोकेट है वो तो मानता नहीं है, अगर पूछ लिया वहां पर तो फिर सेक्शन आ जाता है आपके 150 यानी कि 150,
फिर वहां पर जो कोर्ट है ना वो शिकायत करेगा, किससे शिकायत करेगा, हाई कोर्ट से कर सकता है, और आपकी जो अथॉरिटी है जैसे कि हमारे केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया वगैरह है, वहां पर भी रिकमेंडेशन भेजेगा कि इस वकील के खिलाफ क्या की जाए, कार्रवाई है जो की जाए। ठीक है, 151 यहां पर ये कहता है मे फॉरबिड, मे फॉरबिड का मतलब प्रतिषेध कर सकेगा, मे फॉरबिड। अगर आपने कोई कलंकात्मक, जैसे कि आपने कोई इनडिसेंट सवाल पूछा है या स्कैंडलस कलंकात्मक सवाल पूछा है, एक महिला का रेप केस चल रहा था, वहां पर उस महिला से पूछा गया कि तुम तो वेश्यावृत्ति करती हो ना, तो यहां पर ये सवाल कलंकात्मक है, तो कोर्ट मना कर सकेगा, मे फॉरबिड। कौन से सवालों को, जो सवाल इनडिसेंट है, कैसे, जो सवाल अशिष्ट है, इनडिसेंट है, या जो सवाल स्कैंडलस है, उनको क्या किया जा सकता है, मना जो है किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ सवालों के केस में शैल फॉरबिड अप्लाई होगा, जहां पर कोर्ट मना करेगा ही करेगा, जैसे कोई सवाल जो है इंसल्ट करते हैं या फिर किसी व्यक्ति को एनॉय करते हैं, अपमानित करते हैं वगैरह, तो उन सवालों को शैल फॉरबिड, 151 मे फॉरबिड, 152 शैल फॉरबिड, एग्जाम में पूछा जाए, गड़बड़ नहीं करना है। आगे 153 यहां पर क्या हो रहा है कि गवाह ने कुछ बात कही, कुछ बात कही गवाह ने, तो आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं पेश करोगे, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई एविडेंस पेश नहीं करोगे। हालांकि इसके एक्सेप्शन भी हैं, इसके एक्सेप्शन भी, जैसे मान लो प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में उससे पूछा गया कि आपको पहले कभी कन्विक्ट किया गया है, और वो कहता है नहीं किया गया, तो आप सबूत पेश कर सकते हो कि भाई ये पहले कन्विक्ट हो रखा है। ठीक है, तो उसको छोड़ के बाकी आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट जो है वो नहीं करोगे। ठीक है, 154 में इसको बोला जाता है हॉस्टाइल विटनेस, अपने ही विभीषण बन गए, रावण का भाई विभीषण जो है वो राम के साथ मिल गया, तो विटनेस जो है वो क्या हो गया, वो विटनेस जो है हॉस्टाइल हो गया, है ना। तो हॉस्टाइल विच अपने ही विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत जो है वो कौन देता है, सेक्शन 154 जो है वो आपको इस बात की इजाजत जो है देता है। 159 में आप विटनेस की क्रेडिट को, उसकी विश्वसनीयता को इम्पीच कर सकते हो, उसकी विश्वसनीयता को भंग कर सकते हो, मतलब उससे इस तरह का सवाल पूछोगे, उसके कैरेक्टर को क्या करोगे, शेक करोगे, है ना, इससे आप उसके बारे में पता कर सकते हो। 155 इसकी इजाजत देता है। 156 के बारे में ध्यान से समझना, ये कोरोबोरेशन का नियम है, ये तीनों जो है ना 156, 157, 158, ये तीनों अपने आप में कहीं ना कहीं कोरोबोरेट करना, संपुष्टि करने के नियम है जो बताते हैं। 156 कहता है कि कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस है जिससे आपकी बात साबित हो रही है तो आप उसको कॉरोबरेट कर सकते हो उस परिस्थिति से। 157 प्रीवियस स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था जब हम 145 पढ़ रहे थे, 145 कॉन्ट्राडिक्ट करता है, 157 कॉरोबरेट करता है, तो आपका प्रीवियस स्टेटमेंट सेम है वर्तमान के, प्रेजेंट के स्टेटमेंट से, तो कॉरोबरेशन का नियम अप्लाई होता है। अगर कोई स्टेटमेंट, अगर व्यक्ति मर जाता, डेथ हो जाता, तो वो 32 या 33 में रिलेवेंट होता, अगर मर जाता तो मरा नहीं है, उसकी डेथ नहीं हुई, मर जाता तो रिलेवेंट होता, उस सिचुएशन में ये पॉइंट आपके 158 के अंदर कंसिडर किया जा सकता है। 158 कंटेन बोथ रूल, रूल ऑफ कॉरोबोरेशन एज वेल एज रूल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ध्यान रखना, ये दोनों नियमों को अपने आप में लेकर बैठा है। चलिए अब 5 मिनट का खेल और बाकी है, 5 मिनट तक अपनी एनर्जी को जो है ना कम मत होने देना। देखिए 159, अगर गवाह ये कहता है साहब मुझको याद नहीं आ रहा, तो एक प्रावधान है मेमोरी रिफ्रेश करने का, मेमोरी रिफ्रेश करने का प्रोविजन कहां पर आएगा, 159 में, रिफ्रेशिंग मेमोरी, और दो तरीके से उसकी मेमोरी को ताजा किया जा सकता है, कोई उसको ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाए जो उसने खुद ने लिख रखा है या उसने खुद ने देख रखा है, तो वो डॉक्यूमेंट उसको दिखा के उसकी मेमोरी को क्या किया जा सकता है, रिफ्रेश है जो किया जा सकता है। ठीक है, अब 160 ये कहता है कि स्पेसिफिक रिकॉलिंग जरूरी नहीं है, स्पेसिफिक रिकॉलिंग जरूरी नहीं है। एक मुनीन जी कहता है कि हाँ हमारे यहां पर जो भी लेटर आता है मैं उसकी इनवर्ड एंट्री करता हूं, तो मुनीन जी से पूछा गया कि आपने इस लेटर की एंट्री की है क्या, तो उसने कहा है कि अगर वो लेटर आया होगा तो मैंने की होगी। अब स्पेसिफिकली आपने क्या इनवर्ड नंबर दिया ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बताने का आवश्यकता नहीं पड़ता, मुनीम जी समझते हो ना, अरे क्लर्क, उसको मुनीम जी कहते हैं मारवाड़ के अंदर। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिकॉलिंग जो है वो करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज किए गए ना, उन डॉक्यूमेंट को एडवर्स पार्टी अधिकार रखती है, एडवर्स पार्टी यानी कि सामने वाली पार्टी, वो ये राइट रखती है कि वो उनसे उस व्यक्ति को क्रॉस एग्जामिन कर सकती है, उन डॉक्यूमेंट को एक्सेस करके पढ़ सकती है कि भाई क्या क्या मेमोरी रिफ्रेश की गई है।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट 162, 163, 164 ये डील करते हैं डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के बारे में. अब जैसे सेक्शन 80 है, सेक्शन 89 है, सेक्शन 114 का वो पॉइंट आया था जी, है ना. तो इस तरीके से ये भी कनेक्शन है. अगर किसी विटनेस को कहा गया कि आपको ये डॉक्यूमेंट पेश करने हैं, विटनेस को कहा गया डॉक्यूमेंट पेश करने हैं, तो विटनेस हैव टू, विटनेस को पेश करने पड़ेंगे, उसके पास चॉइस नहीं है. लेकिन पार्टी को कहा गया तो पार्टी अगर पेश करती है, इफ पार्टी प्रोड्यूस, तब तो 163 अप्लाई हो जाएगा. और अगर पार्टी प्रोड्यूस नहीं करती है, पार्टी नॉट प्रोड्यूस, तो वहां पर क्या अप्लाई हो जाएगा, 163 आ जाएगा. ध्यान से सुनना, एक बात कहूंगा आपसे, पार्टी से कोई डॉक्यूमेंट सामने वाली पार्टी ने मंगवाया और वो पार्टी डॉक्यूमेंट लेकर आ गई, तो बाद में अगर सामने वाली पार्टी जिसने डॉक्यूमेंट मंगवाया है ना, वो इस बात को चैलेंज नहीं कर सकती कि जो डॉक्यूमेंट लाया है इसको साहब एविडेंस के अंदर हम कंसिडर नहीं करेंगे, मना नहीं कर सकती. ठीक है, इसका उल्टा, जो डॉक्यूमेंट मंगवाया वो पेश नहीं किया, तो लेटर स्टेज पर आप कोर्ट की कंसेंट के बिना या सामने वाली पार्टी की कंसेंट के बिना उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में एडमिट नहीं करवा सकते. क्लियर है, ये बात कहां पे आती है, 164 में आती है. लास्ट के तीन सेक्शन, जज के पास स्पेशल पावर होती है. क्या पावर होती है, कि वो किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछ सकता है, एनी क्वेश्चन ही कैन आस्क, एनी डॉक्यूमेंट ही कैन डिमांड, कोई भी डॉक्यूमेंट है जो मंगा सकता है. लेकिन जजमेंट जो है ना वो रिलेवेंट पॉइंट पर ही आएगा. 165 की पावर अनलिमिटेड है, लेकिन जजमेंट जो है वो रिलेवेंसी के साथ ही कनेक्ट किया जाएगा. 166 में क्या होगा, जूरी और असेसर, हालांकि जूरी ट्रायल जो है वो केएम नानावती के साथ ही खत्म हो चुकी है, फिर भी प्रावधान पड़ा है, जूरी और असेसर भी क्या कर सकते हैं, कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं. और 167 में क्या है, कि अगर गलती से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपने एडमिट कर लिया जो नहीं करना चाहिए था, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपने रिजेक्ट कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, तो वहां पर अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होता है, देन इट्स ओके. फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होता है, पांच डॉक्यूमेंट थे, आपने चार एडमिट किए, पांचवा डॉक्यूमेंट भी एडमिट कर लेते तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है जस्टिस पर, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वो जस्टिस ओके है, तो उस जजमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा. और अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, अगर आपका जजमेंट चेंज हो रहा है, तो वहां पर अंतर है जो आएगा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्रॉपर एडमिशन एंड इम्प्रॉपर रिजेक्शन. एंड ओवरऑल जो है, हम लोगों ने अभी क्या किया है, सेक्शन 167 तक के सफर को जो है तय किया है. अब अंत में एक छोटी सी बात कहूंगा, ध्यान से सुनना. अरे आप लोग तो है ना अपने जिंदगी के उड़ने वाले परिंदे हो, जो अपने मन में एक विश्वास लेकर उड़ता है, जो अपने मन में एक विश्वास लेकर उड़ता है. तो अपने उस दिल के परिंदे के लिए एक चीज डेडिकेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना. अरे विश्वास वह पावर है, वह शक्ति है, जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है. अगर मन से हार भी जाओ ना, तो भी विश्वास जिंदा है. तो ध्यान रखना, वो रेसलिंग की सबसे बड़ी पावर है. ये जो WWF देखते हैं, WWE देखते हैं, अरे वो सब तो फिजिकल पावर की बात करते हैं, ये जो मेंटल पावर है ना, ये अच्छे अच्छों को क्या कर सकती हैं, फर्श से अर्श तक लेके जा सकती हैं, मतलब आसमान को छूने तक की काबिलियत जो है आपके विश्वास में हो सकती है. बस जरूरत पता है किस चीज़ की, इस दिल को और इस दिमाग को ये कहने की, यार तू कर सकता है. उसको कहो, उसको पटा के रखो, उसको घबराने मत दो. एक बार जो आपका दिल घबरा जाता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं जो है कुछ चीज़ें आपसे दूर हो चली जाती है. दूर नहीं होने देना है, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना. इस तरीके से ये टोटल 167 के सेक्शन है. IPC को भी ऐसे करा दो, अरे वाह क्या गजब डिमांड है ये. 511 सेक्शन का भी एक ऐसे पोस्टमार्टम करना चाहते हो, करेंगे, ज़रूर करेंगे. लेकिन एक शर्त, एक प्रॉमिस आप लोगों को करना पड़ेगा. अगर आप वो प्रॉमिस करते हो, तो ये बात तय रही कि IPC का भी ऐसा का ऐसा जर्नी जरूर लेके आऊंगा, फुल ऑफ एनर्जी के साथ में. तो आपको एक नहीं दो प्रॉमिस करने पड़ेंगे. पहला प्रॉमिस तो ये, जिस दिन भी ये क्लास होगी ना IPC CRPC की, पूरी एनर्जी के साथ में बैठना है. आपको न केवल खुद थकना नहीं है और ना ही मुझे थकने देना है, ठीक है, ना ही मुझे थकने देना. मैं कई बार कह चुका हूं, मुझे एनर्जी मिलती है इस कैमरे के अंदर दिखने वाले आपके चेहरों से. अरे इमोशन का जुड़ाव है भाई, वरना मजाक है कि 167 की यात्रा को सीधा कंप्लीट कर दें, आसान नहीं होता है. ये तब हो पाता है जब एनर्जी मिलती रहे, जब एनर्जी जो है वो मिलती रहे, तब ऐसा हो पाता है. और दूसरा जो प्रॉमिस आपको करना है, वो ये करना है कि इस लिंकिंग लॉ के परिवार को बड़ा करने की जिम्मेदारी उठाओगे, हाँ या ना.
बताइए मुझे, लिंकिंग लॉ के परिवार को बड़ा करने का जिम्मेदारी उठाओगे, हाँ या ना? अगर आपको आज की क्लास आपके दिल को टच करके गई है, आज का ये जो एफर्ट है, आज का ये जो प्रयास किया गया है, अगर आपने वाकई आपके दिल को टच किया है, तो अपने इस लिंकिंग परिवार को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी उठाते हो क्या, हाँ या ना? प्रॉमिस कीजिए मुझे, अगर है तो करके दिखाना, है ना? देखो, लॉ का स्टूडेंट जब ठान लेना किसी बात को तो पीछे नहीं हटता है, बस जरूरत क्या है इस बात को इस जज्बात से जोड़ने की। सिर्फ मैं ही पढ़ूंगा गलत सोच है, सब मिलकर पढ़ेंगे ये सबसे बड़ी सोच है। जिंदगी को बड़ी सोच के जात जियो यारो, छोटी सोच के लिए तो छोटे लोगों पर छोड़ दो, है ना? उनके सोच के मुकाबला हमें नहीं करना है। तो ये प्रॉमिस रहा है, एविडेंस ऑन रिकॉर्ड हो चुका है, इस परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। कैसे करोगे, क्या करोगे, आप जानो, ठीक है? लेकिन ये लिंकिंग परिवार जो है ना, अपने आप में बढ़ना चाहिए। ये आपके तनसुख सर का एक सबमिशन है, एक रिक्वेस्ट है। तो अब आप इसको किस तरीके से फुलफिल करते हो, लिंकिंग सर की हर बात मानेंगे? अगर कहा है तो मानना पड़ेगा, ओके? ये उपाधि मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, थैंक यू सो मच। ये जो लिंकिंग सर का आपने एक अचीवमेंट कहूँगा, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा, क्योंकि अगर इस बात को आप लोग स्वीकार कर पाए तो इससे बढ़िया कोई और चीज़ नहीं है मेरे लिए, है ना? थैंक यू सो मच फॉर दिस अचीवमेंट, फॉर दिस डेजिग्नेशन। बस इसी तरीके से पढ़ना है, मस्ती से चलना है। अच्छा हाँ, ये जो 18 जुलाई का एग्ज़ाम है उसको मिस मत कर देना। अनअकैडमी की तरफ से ये जो एक शानदार टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, अनअकैडमी जुडिशी स्कॉलरशिप टेस्ट, 18 जुलाई को सुबह 11 बजे, मिस मत कर देना इसको। इसकी सारी डिटेल एक वीडियो बना के, 5 मिनट का एक वीडियो बना के मैं डाल चुका हूँ, उस वीडियो को देख लेना। 18 जुलाई से पहले खुद को प्रिपेयर कर लेना, बहुत उसमें रिवॉर्ड बड़े शानदार है। देखो कई बार जो मन होता है ना, मानव ठहरे यार, ह्यूमन बींग ठहरे, कई बार रिवॉर्ड के प्रति जो है ना वो मन भ्रमित हो जाता है। तो रिवॉर्ड के लिए करो या खुद की तैयारी को मजबूत करने के लिए करो, करना जरूर, करना जरूर। 18 जुलाई का टेस्ट आप सभी को अटेंड करना है। अरे वो राहगीर बोलते हैं यात्री को, जो जर्नी करता है उस व्यक्ति को, वो राहगीर ही क्या जो रास्ते का चयन न करे, जो अपने लाइफ के वे को सेलेक्ट नहीं करे। बढ़ो तो सही, रुकोगे नहीं, ये मेरा प्रॉमिस रहा आपसे। लेकिन शुरुआत जो है चलने की, वो तो आपको ही करनी पड़ेगी। बताइए कितने कैंडिडेट ने अभी तक रजिस्टर्ड किया है, ये जो 18 जुलाई वाला टेस्ट है, आप में से कितने कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है? नहीं करवाया है तो तुरंत इस वीडियो के समाप्त होते ही कर लेना। और एक और बात, एविडेंस लॉ की इस क्लास को अगर आपने 3 या 4 बार देख लिया ना, ये मैं दिल से प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, क्योंकि इस क्लास को पूरे दिल के साथ पढ़ाया है। अगर आपने एविडेंस की इस क्लास को 2 या 3 बार अच्छे से देख लिया ना, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। मैं तो ये भी कहूंगा कि इस क्लास का ऑडियो वर्जन भी आप डाउनलोड कर लो। क्या करना है आपको, आता है MP3 में फाइल कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप बहुत स्मार्ट हो इस मामले में, इसका ऑडियो वर्जन भी डाउनलोड कर लो। और दो या चार बार, कम से कम 2 अधिकतम 4 बार आप इस एक बार इस वीडियो क्लिप को सुन लेना अच्छे से। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एविडेंस लॉ के अंदर आपकी एक अच्छी पकड़ मजबूत हो जाएगी। क्योंकि इस क्लास में अपन ने बीच में कोई कमेंट को नहीं लिया, अपन सीधे सीधे टू द पॉइंट चले हैं, राइट? चलिए, तो यहां पर कई कैंडिडेट्स अभी देख पा रहा हूं, कई ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जरूर करवाओ। अनअकैडमी के ऐप को भी रजिस्टर्ड करो, वहां पर लिंकिंग 10 अपने वाले कोड को डालना। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैसेज कह रहा हूं, जाके वहां की क्लासेस भी अगर आप देखना चाहते हो, कई वहां पर रिनाउंड फैकल्टीज हैं, उनके लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, ठीक है? तो जाके देखना। और लॉग इन करते समय LINKING लिंकिंग 1010 कोड को जरूर इस्तेमाल करना। किसको? LINKING, ये कोड है अपनी फैमिली का, इसको इस्तेमाल करना, ठीक है? सब्सक्रिप्शन बात की बात है, पहले जाके मस्ती से अटेंड करो, दिल कहे तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो यूट्यूब पर तो हमेशा मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे, ओके? तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, पानी भी पी लेता हूँ, है ना? क्योंकि जब तक शरीर दौड़ता है तब तक गर्मी पूरी रहती है, जैसे शरीर रुक जाता है ना, उस समय कई चीज़ें जो हैं वो महसूस होने लग जाती हैं। तो अपने दिल के परिंदे को इसी तरीके से उड़ान से उड़ने दो, लिंकिंग परिवार को मजबूत करना ये आपकी जिम्मेदारी है। इस चैनल का चाहो सब्सक्राइब करो, आपका दिल कहता है सब्सक्राइब करवाओ,
ये भी आपके ऊपर जिम्मेदार रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इजाजत दीजिए। और भी कोई स्पेशल बात अगर आप कहना चाहते हो तो लिंकिंग लॉ के टेलीग्राम चैनल में एडमिन का जो ऑप्शन है वहां पर आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जितने भी एडमिन के पास पर्सनल मैसेज आएगा मेरे तक पहुंच जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए संसुख पालीवाल को। थैंक यू सो मच।